देखो ध्यान से समझो चित्रे, निर्माणकारी और विध्वंसकारी नियम 2016। मान लो ऐसे एनजीटी जानते हो क्या हो? एनजीटी, एनजीटी का नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एक कोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब पर्यावरण से रिलेटेड कोई मामला हो ना तो एनजीटी में चला जा, सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करता है। एनजीटी के फैसले बिल्कुल इस तरह, लेकिन एनजीटी के खिलाफ तुम अपील भी कर सकते हो। सही बात है, जो एनजीटी हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यूपीएससी 2011 10 में सवाल पूछ 10 2010 में सवाल आ चुका है, और 2010 में बनाया था एनजीटी, 2010 में बनाया गया था, 11वें भी सवाल आया उस पर, कई बार सवाल आ चुका है उस पर। अब इस चीज के ना, अच्छा इसकी क्या खास बात है एनजीटी की? इसने आदेश दिया कि जब हम कचरा, जो कचरा ना, कचरे को तुम कौन से कचरे की बात कर रहे हो, तुम कौन प्रदूषण कहीं कहीं से फैल रहा है? यार एक बात बताओ, जब तुम बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी शुरू करते हो तो आसपास जो धूल उत्पन्न हो, धूल वो कचरे में नहीं आ गई, वो प्रदूषण में नहीं आ गई, उसे तो तुम काउंट कर ही नहीं। दूसरा, तुमने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसे गिरा दी तुमने, और जब गिरा दी तो फिर वहां तो कचरा निकलेगा, वहां तो विध्वंस, विध्वंस का मतलब उसको समाप्त कर दिया। और निर्माण कार्य का मतलब क्या हो? कोई बिल्डिंग बना रहे हो तुम, और विध्वंस कार्य का क्या मतलब हो? इसका मतलब तुमने उस बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर, नहीं तो वहां तो कचरा निकलेगा, नहीं निकलेगा, जो कचरा निकलेगा उसका क्या करोगे? तो जब एनजीटी ने आदेश दिया, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण 2010 में बनाया गया था, कोर्ट की तरह काम कर, इसने आदेश दिया भारत सरकार को, कहा एनजीटी ने, एनजीटी के जो अधिकारी थे उसने कहा, सुनो भारत सरकार, कल से ना तुम इसके लिए नियम तैयार करने होंगे। तो फिर भारत सरकार को 2016 में समझ आई, और जो 2016 में जैसे समझ आई तो निर्माण और विध्वंसकारी नियम 2016 जारी कर दिए गए। और इसमें पता क्या कहा गया? इसमें कहा गया, इसे सर्च करके पढ़ना, निर्माणकारी और विध्वंस नियम 2016। अब तक इसको कोई सवाल नहीं पूछा यूपीएससी ने, ताजा ताजा बचा हुआ, बहुत सारी चीजें जो बची हुई। मैं एक ही बात कह रहा हूँ बार बार, कोई आत्मा की तरह भटकने की जरूरत नहीं है। जितनी बार भी देखना एनवायरमेंट में, चुपचाप बैठ कर मेरे ही वीडियो देखना और कुछ नहीं देखना, सही में सारा पढ़ने की बात तो बता रहा हूँ तुम्हें। जब अगर जरूरत पड़े ना किसी चीज को पढ़ने की तो मैं बता दूंगा उसे पढ़ने की जरूरत है यहाँ से, नहीं तो बार 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 जब तक 5-6 बार वीडियो रिविजन नहीं हो जाता ना, ठीक है, तुम जोड़ना ने स्टार्ट कर दो तब तो कोई फायदा नहीं है। जुबान पा जा तुम्हारी सब चीज, जिस दिन तुम्हारी सब जुबान पा आ चुका होगा ना उस दिन पता लगेगा तुम्हें। मैंने एक चीज बताई ना, बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग कनेक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, यह चीज यहाँ जुड़ेगी जाकर। इकोनॉमी हो इन्वायरमेंट हो, इतना पढ़ना पड़ता, समझ जब तक तुम्हारा लेवल इस तरह का नहीं हो जाता। इसमें क्या कहा गया? अगर ये नियम कहाँ लागू होंगे, निर्माणकारी और विध्वंसकारी नियम 2016 पता कहाँ लागू होंगे? ये वही लागू होंगे जहाँ एक दिन के अंदर, जहां बिल्डिंग बन रही होगी या बिल्डिंग टूट रही होगी, जहां एक दिन के अंदर 20 टन से ज्यादा कचरा पैदा हो रहा। समझ में आया बात? कितने टन से? 20 टन। अगर 20 टन से ज्यादा कचरा पैदा हो रहा है ना, 20 टन, 20 टन, एक टन में कितने क्विंटल हो? एक टन में कितने क्विंटल हो? 100 क्विंटल। एक टन में 100 क्विंटल हो, आया समझ में? और 100 क्विंटल में कितने किलो हो? 1000 किलो, आया समझ में? ये पता होना चाहिए, तो छोटे बचपन में सिखा गया, 7-8 में भी नहीं याद आएगा तुम्हें यार। तो जहां 20 टन अगर कचरा निकल रहा होगा ना, 20 टन अगर कूड़ा कचरा निकल रहा होगा, तो वहां ये नियम ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। समझ ये बात किया? और इसमें पता क्या कहा गया? इसमें वही कहा गया, ईपीआर की बात कही गई। ईपीआर का मतलब जो जिसने वो कचरा पैदा करा उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। मान लो मैं एक ठेकेदार हूँ, समझ ही बात यार, ठेकेदार हूँ, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का मैंने ठेका लिया, तो ठेका लिया तो वहां तो कचरा निकलेगा, तो कचरा निकलेगा तो वहां तो जो टूट फूट होगा, जो कचरा निकला वहां तो कचरा ना कहते हैं उसे, दूसरी भाषा में वो विध्वंस कह सकते हैं। ईंट, आज समझ, जो ईंट हुई, पत्थर हुए, उनका करना क्या है? वो मेरी जिम्मेदारी होगी एक्सटेंडिंग, क्योंकि मैं विस्तार करता हूँ। दूसरा, पीएम पोल्यूटेड, प्रदूषण मैंने फैलाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी, ईपीआर वहां भी लागू होगा। तीसरे नंबर पर, अगर मैंने ये काम नहीं करा, 20 टन से ज्यादा कचरा निकल रहा और मैंने ना उसे खुले में वही काम वही छोड़ दिया, तो समस्या पैदा करेगा, हो सकता है रोड जाम हो जाए रास्ते में, समझ नहीं बात या? हो सकता है आने वाले फ्यूचर में समस्याएं खड़ी कर दे, जब उस जिस एरिया में हमने कचरा डाल दिया और वहां ना तालाब था और तालाब में हम जाकर भर दिया और वहां बहुत सारे जलीय जीव रहते थे, तो हमारी जैव विविधता नष्ट हो सकती है उस क्षेत्र की, तो समस्या खड़ी कर सकता। इसका मतलब प्रदूषण हमने फैलाया, इसका मतलब जो प्रदूषण हमने फैलाया ना, तो यहाँ तीसरी बात खास बात होगी, यहाँ पी 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 पोल्यूटेड, पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल, पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल, इस पर काम करना होगा। पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल हिंदी में क्या नाम था इसका? भुगतान, पोल्यूटेड, भुगतान पर कर संतुलन, भुगतान पर कर संतुलन, इस सिद्धांत पर काम करना होगा। ये निर्माणकारी और विध्वंस नियम थे जो 2016 में जारी हुए थे, इसमें इतना ही याद रखना, बात समझ आई बात? लेकिन नियम वही लागू होंगे जहां किसी बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, या फिर कोई बिल्डिंग तोड़कर कचरा पैदा हुआ होगा वहां
और उस कचरे की मात्रा की क्वांटिटी 20 टन से ज्यादा होगी तो वहां ये नियम ऑटोमेटिक लागू हो जाएंगे। बात समझ में आई? नियम किसने जारी करे? नियम जारी करे एनजीटी के आदेश पर। एनजीटी ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, तो नियम जारी करे सीपीसीबी ने। सीपीसीबी ने नियम जारी कर दिया। बात समझ में आई है? क्या क्या निकोश करी जा रही। अगला पॉइंट है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पदार्थ हो जो बहुत खतरनाक हो, हजार्डियस। कुछ ऐसे पदार्थ हो जो बहुत खतरनाक हो, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ होंगे, उनके बिल्कुल भी संपर्क में नहीं जाना चाहिए। तो जो खतरनाक अपशिष्ट हो, समझ बात है, जो बहुत ही खतरनाक अपशिष्ट हो, उनके लिए भी अलग से नियम जारी करे गए, और उनका नाम ही यही रखा गया, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। खतरनाक अपशिष्ट हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। क्या क्या बताया मैंने? ठीक, नाम है इसका, इसका इन्हें पढ़ो, देखो, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन। इसका प्रबंधन कैसे करोगे भाई? प्रबंधन नियम 2016, याद रही बात है। इसमें क्या कहा गया इसे भी समझ लो। ये भारत ने नियम कैसे जारी करे? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 समझौते, और तीनों के बारे में जाकर तुम्हें पढ़ना, गूगल पर जाकर सर्च करोगे या यूट्यूब पर जाकर हल्का सा 5-10 मिनट का वीडियो देखना इनका, कि तीन समझौते को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने साइन कर रखे, समझ रहे हैं ना? भारत पूरी दुनिया में जो खतरनाक अपशिष्ट होंगे, अब पहले तो तुम समझो खतरनाक अपशिष्ट क्या हो, कि खतरनाक अपशिष्ट में किसे कहते हैं, जिसके संपर्क में मनुष्य जाना ही चाहिए, जहां मनुष्य की त्वचा ही टच ना हो, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे, ऐसे अपशिष्ट। अब खतरनाक अपशिष्ट क्या होंगे, इसे लेकर दुनिया भर में क्या नियम अपनाए गए, उन नियमों में दुनिया भर में जो वैश्विक स्तर पर संधियां चल रही, समझौते चल रहे, हम उसके सदस्य मेंबर हम उसके, समझ में आया बात या? फिर उन तीन, हम जो समझौते पूरी दुनिया में चल रहे, उनके तीन समझौते ऐसे, और तीनों का भारत मेंबर है, और उन तीनों को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी घरेलू सीमा के अंदर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जारी करे 2016। दोबारा फिर समझ में क्या कहने को, और तीनों का मैं तुम्हें नाम भी बता रहा हूँ, तीनों का कभी भी पेपर में कुछ जोड़ कर पूछा जा सके, तुम्हें पढ़ना भी बिल्कुल भी। नंबर फर्स्ट, एक तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो तीन अंतरराष्ट्रीय समझौते, तीनों का नाम बताऊंगा और तुम्हें पढ़ना भी, तुम्हारा होमवर्क होगा। तीन समझौते, कितने समझौते? समझौते मतलब एग्रीमेंट। तीन समझौते का नाम जानना चाहोगे? तीन समझौते, कितने समझौते? और अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं। इन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी घरेलू सीमा में अपने खतरनाक अपशिष्टों के लिए नियम जारी करे 2016, मिला जुला कर, आज समझ। ठीक, तो तीन समझौते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, नंबर फर्स्ट ये पढ़ना तुम्हें, बेसल समझौता, बेसल एक तो अच्छा एक वो बेसल नॉर्म्स, उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा तुम्हें, आरबीआई के अंदर ये टॉपिक मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है। बेसल नॉर्म्स क्या है, वे 2011-12 में क्यों अपनाए गए थे इकोनॉमिक्स में, ये बेसल समझौता ख्याल, बेसल समझौता, तो तुम्हारा काम होगा बेसल समझौता पढ़ना, बेसल समझौता। और बेसल समझौते ना खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के नियम जारी करे गए, लेकिन वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, भारत के अंदर नहीं है ये, भारत के अंदर खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 ये जब हमने जारी करा, क्यों जारी करा हमने, क्योंकि हमने इसके जैसा कुछ देखा होगा, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने बेसल समझौता देखा, और बेसल समझौते में ही खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम की बात कर रखी, तो हमने ना सब मिला जुला स्वरूप अपने यहाँ जारी कर दिया। तो बेसल समझौता तुम्हारा काम होगा, बेसल समझौता पढ़ना, आए समझ में? बेसल समझौता, हो सकता है यूपीएससी सवाल पूछ रहा था कि बेसल समझौता क्या था, क्या कितने लिखा गूगल पर जाकर, बेसल समझौता यूपीएससी इन हिंदी, ऐसा टाइप करना। दूसरे नंबर पर एक और समझौता था, उसका नाम है स्टॉकहोम सम्मेलन, ये बहुत फेमस है, कई परीक्षाओं पूछ लिया स्टॉकहोम सम्मेलन, इसके यानी जो सम्मेलन हुआ होगा स्टॉकहोम के अंदर, एक जगह का नाम स्टॉकहोम, वहां जो सम्मेलन हुआ होगा उस सम्मेलन के अंदर पक्की बात 100% खतरनाक अपशिष्ट की बात कही गई होगी, और वही बात तुम्हें पढ़ना इस स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में तुम्हें पढ़ना। तीसरा भी बताने जा रहा हूं, तीसरा का नाम राटरडम, बता सको कहां पड़े राटरडम? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, बताओ क्यों मुझे नहीं धक्के दे रहे? अच्छा बेसल नॉर्म्स में क्या क्या रखा, बेसल नॉर्म्स में क्या रखा था भाई, एक बात सुनो,
बेसल नोट्स में क्या क्या रखा था, बेसल समझौतों में क्या क्या रखा था, बेसल समझौतों में क्या रखा था कि जो तुम ना खतरनाक अपशिष्ट, ये विकसित देश पता क्या कर रहे थे, ये विकसित देश जैसे स्वीडन होगा, नॉर्वे होगा, उनके यहाँ जगह तो बहुत कम है, और भारत के अंदर ना जगह कम होने का कारण क्या है, अरे ऊपर के देशों में समझ बात है, तो ये क्या कर रहे थे, अपने यहाँ ना वेस्ट पैदा कर रहे थे खतरनाक अपशिष्ट, और उसे लाकर ना भारत की समुद्री सीमा में जाकर डंप करते थे, इतने बदतमीज थे, सही बात यह। तो बेसल जब समझौता हुआ ना, बेसल समझौता में यही बात कही गई कि सीमा पार जो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन है उसे पूरी तरह इनलीगल ठहराया जाएगा, उस देश पर बैन लगाया जाएगा। ये खास एक छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सही बात यह, दोबारा फिर समझ लो, बेसल समझौते में क्या हुआ था, बेसल समझौते में सारे देश एक साथ बैठे, जो इसके इसके बेसल समझौते सम्मेलन में आए थे, इसमें ये कहा गया था भाई जो देश है ये विकसित देश है, जो बड़े बड़े देश है, अमेरिका हुआ, स्वीडन हुआ, यूरोप के बहुत कंट्री के बहुत सारे देश हो गए, ये क्या कर रहे थे, अपने यहाँ तो खतरनाक अपशिष्ट निकाल रहे थे, खतरनाक अपशिष्ट का यूज करा और उसे जाकर जो कचरा निकला उस पर उसे पता कहाँ जाकर उसे दूसरों की समुद्री सीमा में जाकर डंप कर देते, अपनी सीमा पार कर, तो समुद्री सीमा जो पार यानी सीमा पार न जो खतरनाक अपशिष्ट उनके प्रबंधन पर रोक लगाई बेसल समझौते में। दोबारा फिर लिख रहा हूँ मैं, जो खतरनाक अपशिष्ट है ना सीमा पार, कहाँ से सीमा पार खतरनाक अपशिष्ट पर, जो खतरनाक अपशिष्ट पर रोक लगा दी गई रोक बेसल समझौते में हुआ। इसमें क्या हुआ, दूसरा जो सम्मेलन हुआ समझ में, ये बात क्या पूरा पढ़ना, मैं इतना बता रहा हूँ जितना मेरे लिए काम का, क्योंकि मैं खतरनाक अपशिष्ट की बात कर रहा हूँ, तो पूरी दुनिया में जहाँ खतरनाक अपशिष्ट को लेकर सम्मेलन या समझौता हुआ होगा ना उसे लेकर आऊंगा मैं, तभी तो भारत के अंदर नियम बनाए गए, भारत ने इसे भी पढ़ा इसे पढ़ा, भारत तीनों सम्मेलन में गया, जब भी भारत के दुनिया में कहीं भी पर्यावरण सम्मेलन होगा ना भारत वहां सबसे पहले पहुंच जा, ऐसे समझ में इस काम परफेक्ट है ठीक। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था ना इसमें क्या गया था, जो पीओपी है, पीओपी जानते हो कैसे कहते हैं, पीओपी उस समय बाहर भी निकल जाइए, इसे बोलते हैं अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक, इसे बोलते हैं अस्थाई, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से समझा रहा हूं सर, अस्थाई कार्बनिक प्रदूषक, डंडा मार के तना रटवाया था ना सर, वो दिमाग मत जाए ना, CH4 × 2H2 एक बटा H2। एक और क्या कहा गया, ये जो खतरनाक अस्थाई कार्बनिक प्रदूषण, जो कार्बनिक केमिकल जो पदार्थ केमिकल से मिलकर बनने हुए उन पर ना पूरी तरह उन्हें बैन कर दिया जाना चाहिए, बैन करा भी DDT। मैंने जब मैं बारहवीं क्लास में पढ़ा मैंने वहां बताया था तुम्हें क्या नाम है, DDT का पूरा नाम बता सको, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका DDT का पूरा नाम 2004 में बैन कर दिया USA ने, ऐसे बजब, और USA में इसके बाद क्या हो, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या हो, ये ऐसे कार्बनिक प्रदूषक हो जो न हवा में इन्हें बैन कर दिया, खत्म कर दिया, मनाना मत, अगर एक बार इनका प्रयोग कर दिया ना तो लंबे समय तक हवा में बने रहते हैं। DDT का प्रयोग करके ना मच्छरों को मारने की दवाई थी एक प्रकार किया, और जब मच्छरों को मारा गया ना तो फिर इसका सीधा इम्पैक्ट उन पर तो पड़ा ही, तो सीधा फिर हम पर पड़ा, क्यों, वो हमारी जीव विविधता के अंतर्गत आते हैं, अगर वो नष्ट हो गए तो हम नहीं रहने के, सही बात यह, अगर वे नष्ट हुए तो हम नहीं रहने के बिल्कुल भी, तो DDT था, तो DDT हुआ, और एक बेंजीन, तो बेंजीन अब मैं चाहता हूँ आज तुम ना एक तो DDT है इसके बारे में पढ़ना तुम, ये कहाँ से जो DDT है इस तक कहाँ किसे किसे नुकसान पहुंचा हुआ है, और जो बेंजीन है ना बेंजीन एक प्रदूषक है, ऐसा समझ में, लेकिन जो बेंजीन है किसे किसे नुकसान पहुंचा हुआ हो सकता है, इसे लेकर पक्का सवाल पूछ ले, तो ये बैन कर दिया हमने पहले ही, हमने नहीं बैन करे, जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसमें जो अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक उन्हें पूरी तरह बैन कर दिया गया था, ये खतरनाक तो है, जो खतरनाक जहाँ खतरनाक है तो खतरनाक है, हजारडियस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 हमने इसे पढ़ा, समझौते को इसे पढ़ा फिर अपने यहाँ जो खतरनाक अपशिष्ट थे हमने भी DDT बैन कर दिया, हमने भी फिर ये POP जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण ये बैन कर दिए, ऐसे समझ जो सीमा पार ये हमने ऐसा काम करते, भारत की एक खास बात है, भारत ने कभी किसी की तरफ चाटा नहीं मारा आज तक, ये खास बात है, नहीं रॉटरडम में क्या करा हमने, देख लो रॉटरडम में क्या करा, जो कीटनाशक क्या है, कीटनाशक हुआ, कीटों का जो विनाश करते हैं, देखा जो मिर्च हो उनके ऊपर छिड़काव करते हैं दवाई डालकर, तो जो कीटनाशक कीटों को मारने के लिए जो कीटनाशक
उन पर प्रतिबंध लगाया, उससे क्या हो रहा था, वे कीटनाशक ना जो हम तो दवाई डाल रहे थे पौधे के ऊपर, मिर्च भी साफ हो जा रही थी, समझ नहीं पाते, वो कीट तो मर गया ना, जो कीट मर गया, उस तो समस्या क्या खड़ी हुई, जो हम कीटनाशक डाल लेते वो केमिकल था और केमिकल मिट्टी के अंदर पहुंच गया। और जब उसके बाद ना एक कुछ दिन तो ग्रोथ हुई पेड़ पौधे ना, एक दो साल तो फसल हुई, उसके बाद कभी मिर्च का पौधा मिट्टी के अंदर उग ही नहीं पाया, क्यों, उस कीटनाशक को डाल के उस मिट्टी की उर्वरता खराब होगी, यह समस्या खड़ी कर दी हमने, ऐसा समझ में। तो जो मिट्टी ना उसे ना सतत नहीं बनाया जा सकता, सस्टेन नहीं करा जा सकता लंबे समय तक, इसीलिए इन प्रदूषकों को बैन कर दिया गया। समझ में बात, ये संजय सम्मेलन हुए तो बहुत खतरनाक सम्मेलन थे, बहुत पुराने सम्मेलन, उन सन 2000 तो पहले पहले हुए सारे सम्मेलन ही है, जो कीटनाशक थे और कीटनाशक और रसायन उद्योग, और रसायन उद्योग पर प्रतिबंध, रसायन उद्योग इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, हल्का हल्का मैंने तुम्हें ना ओवरव्यू भी दे दिया कि ये है था क्या, और इसे लेकर हमारे यहाँ ना खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जारी कर दिए गए, तुम इतना डालकर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ बात, या पता कैसे सवाल पूछे यूपीएससी, बेसल समझौता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इस्त, इतने हल्के सवाल पूछे, ज्यादा नहीं जाता हो, ज्यादा डेप्थ में जाता हो, कोई विशेषज्ञ नहीं बनाना तुम्हें, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है सवाल पूछे हुए सारे, राटाडम वो किससे संबंधित है, उसमें समझौते में मेन बात क्या थी, और मेन बात मैंने तुम्हें बताई थी, और एक बात तुम डाल के पढ़ोगे ना सब चीज़ें तो और अच्छा क्लियरेंस आगा, मेन चीज़ें उसमें क्लियरेंस से लेकर आना, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कौन कौन इसके सदस्य थे, कितने मेंबर थे, कितने बैठे थे, कौन सा स्थान था, उससे ज़्यादा और भी मजा आएगा, अपने नोट्स का हिस्सा बना लेना उसे, वैसा हम आगे जाके नहीं पढ़ेंगे, एक जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ भी पढ़ाएंगे तुम, लेकिन यही पूरा करके चलो तो ज़्यादा बढ़िया हो, मेहनत एक बार हो बार बार नहीं होती, समझ में आई बात, या कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो तो एक तो हमने पढ़ा निर्माणकारी और विध्वंस नियम 2016, इसे क्या बोलते हैं निर्माणकारी, कंस्ट्रक्शन, इसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉयड, रूल 2016, बात समझ में आई है, और ये क्या हजार्डियस, वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इन तीन समझौतों के बेस पर भारत ने अपने अंदर भी अपने घरेलू सीमा में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन 2016 जारी कर दिए, एक बार चेक कर लियो 2022 का कहीं नहीं तो नहीं आए, लगभग 2016 के ही चल रहे, ऐसे डाल को तुम्हें पढ़ना, बात समझ में आई बात, या मैंने हिंट दे दिया, समझदार को इशारा काफी हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को झुंझुनाई काफी हो, चलो उतार लो उसे। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन ईआईए, इसे बोलते हैं इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इंग्लिश बताना चाहिए इधर देख लो, इन्वायरमेंट इंपैक्ट, इंपैक्ट मतलब प्रभाव, असेसमेंट मूल्यांकन, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। अच्छा इसकी खास बात है, इसकी जो ये अवधारणा थी ना, ये सबसे पहले यूएसए में आई, और वो भी 60 के दशक में, यूएसए की अवधारणा है, हमने तो उसे एडॉप्ट करा। अब पर्यावरण प्रभाव है क्या, मूल्यांकन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किसे कहते हैं, यह बात हमें सही तरह पता किसने बताई, यह बात बताई यूएनईपी ने, यूएनईपी। अब आप सोचते होंगे है क्या बोला, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास, यूएनईपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, इसने बताया इसकी परिभाषा कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कैसे कहते हैं, बात समझ में आई। अब भारत के अंदर ना ये जो ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन ये भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका 1976 से लेकर 77-78 के आसपास, यानी इसे बोलते 70 का दशक, ये 70 का दशक, तो 70 के दशक में प्रवेश कर चुका भारत की बाउंड्री सीमा में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। यूएनईपी ने इसकी सही परिभाषा बताई, यूएसए ने सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया था, लिखाऊंगा मैं बाद में, पहले से मैं बहुत व्यवहारिक तरीके से समझाता हूँ क्या करना होगा तुम, अगर भारत के अंदर कोई भी परियोजना तैयार करनी हो, कुछ भी विकास का काम करना हो, तो सबसे पहले ना बिना सरकार की परमिशन के कुछ नहीं हो सकता, और ये बात ध्यान में रखनी होगी
कि कोई भी परियोजना बना रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी विकास कर रहे हो, मान लो को तुम बाहर सड़क पर जाकर निकलोगे, मुझे केमिकल फैक्ट्री बनानी है कोई, और उस केमिकल फैक्ट्री को खोलने के लिए ना देखना पड़ेगा, पहले उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा, उसका ना असेसमेंट करना पड़ेगा कि उस पर्यावरण, उस फैक्ट्री का, मेरी फैक्ट्री को खोलने से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले, उसके फायदे फायदे बताने पड़ेंगे, उसके नुकसान भी बताने पड़ेंगे। इसी बात को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहते हैं, उसके फायदे बताने पड़ेंगे, उसके नुकसान बताने पड़ेंगे। अगर फायदे ज़्यादा होंगे तो सरकार मुझे अनुमति दे देगी, अगर नुकसान ज़्यादा होंगे तो सरकार ना उसका EIA है जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जारी देखने के बाद, उसका मूल्यांकन करने के बाद मेरी फैक्ट्री को बंद कर दबा देगी। समझ आएगी बात या? फैक्ट्री जब ही खुलेगी जब EIA जारी हो जाएगा, EIA। तो इसे तमीज से समझाने के लिए मैं आराम से पीछे थोड़ा बैकग्राउंड में चलता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ है क्या चीज़। यानी कोई भी परियोजना हो, कोई भी परियोजना ध्यान से समझना चाहते, कोई भी परियोजना हो, परियोजना को हम दूसरी भाषा में कहते हैं प्रोजेक्ट। तो कोई भी प्रोजेक्ट तुम्हें भारत की सीमा के अंदर लगाना हो, और किसी भी प्रोजेक्ट को लगाना हो तुम, अब मैंने अपना एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ, समझ में आई बात है? मान लो देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, जो मेरा सपना खुद का अपना अपना ही सपना बता रहा हूँ तुम, ठीक, और जो मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ और मुझे इन प्रक्रिया तो होकर गुजरना पड़ रहा, तो समस्या कहाँ आ गई? तो मुझे ना मान लो मुझे यूनिवर्सिटी बनानी, SN यूनिवर्सिटी बनानी मुझे, SN यूनिवर्सिटी, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा? धन। अगर धन का मैंने मैनेजमेंट कर भी लिया, धन का मैंने मैनेजमेंट कर भी लिया, चलो मेरा लोन भी पास आउट हो चुका, मैंने 20 करोड़ का लोन लिया गवर्नमेंट से, मेरे पास 20 करोड़ पैसे तो है नहीं, मेरे पास गवर्नमेंट का लोन देते हैं, गवर्नमेंट ने लोन दे भी दिया, ठीक, लेकिन इससे पहले मुझे बहुत काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे एक प्लॉट तैयार करना पड़ेगा, जगह तलाशनी पड़ेगी, वो भी मैंने देख ली थी, रियलिटी, ये रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं तुम, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। तो मेरा प्रोजेक्ट किस बात पर? ये मेरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कहते हैं मेरी परियोजना, यहाँ ये मेरा प्रोजेक्ट, मैं डेवलपमेंट करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ, भारत के बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ, उनके लिए एक यूनिवर्सिटी तैयार कर रहा हूँ, सही बात है। और यहाँ के जो टीचर है ना, टीचरों को मैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इतनी दूर दूर भेजूंगा ट्रेनिंग के लिए, अमेरिका, और यहाँ टीचर आएंगे और भारत के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देंगे। मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ, मुझे प्रोजेक्ट तैयार करना, 10 करोड़ के आसपास मैं इस यूनिवर्सिटी में लगाने वाला हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ मैं इस तरह करके, समझ लो पहले अच्छे तरीका, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन इस समझ में आएगा। और यही केस स्टडी, ऐसा ही जो मैंने तुम्हें बता रहा हूँ ना, पूरी कहानी या पूरी कहानी पेपर में आती है लिखने को, इसे हम केस स्टडी बोलते हैं। जीएस जो फोर पेपर उसमें काम आ गया पूरी केस स्टडी। मान लो मुझे SN यूनिवर्सिटी बनानी और 20 करोड़ रुपये की जरूरत है, फंड मेरे पास हो चुका, अब मैंने जमीन की तलाश कर ली, जमीन भी मुझे मिल चुकी, ऐसे समझ, और जमीन जैसे मिल चुकी ना मुझे, तो जमीन मुझे पता चला कहाँ जाकर मिली, जमीन मुझे मिली जाकर कौन से एरिया में मिली जमीन मिली मुझे पहाड़ों के एरिया में जाकर, पहाड़ी एरिया में जाकर। अब जो पहाड़ी एरिया, वहाँ से वहाँ आसपास पहाड़ भी है, ये पहाड़ भी है आसपास, तो पहाड़ों की थोड़ी कटाई भी करनी पड़ेगी मुझे, आसपास कह रही हूँ, पहाड़ों के आसपास मुझे जमीन मिली, तो यूँ नहीं है कि मेरे पास पैसा आ चुका, अब मैं क्या करूँगा कि न्यू भरनी स्टार्ट कर दी और काम स्टार्ट कर दिया, नहीं, जब तक मेरे पास NOC नहीं होगा ना, NOC का मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर ये ऑब्जेक्शन, ताकि मेरे कोई बाहर से चेकिंग करने आवे तो मुझे ऑब्जेक्शन उठा सक, सबसे पहले ना मुझे इसका EIA करवाना होगा, और EIA करवाने के लिए मुझे ना जो पर्यावरण मंत्रालय का नाम जानते हो, ये हमारा पर्यावरण मंत्रालय साइड में, ये पर्यावरण मंत्रालय शॉर्ट फॉर्म में पर्यावरण मंत्रालय कहता हूँ, पूरा नाम क्या है, जलवायु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये नाम उसका, तो पर्यावरण मंत्रालय कह सकते हैं, पर्यावरण मंत्रालय, ये पर्यावरण मंत्रालय मुझे NOC का सर्टिफिकेट देगा। वो जो सर्टिफिकेट अगर मेरे हाथ में होगा ना, तो मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का, जिसे कहते हैं निर्माण कार्य, स्टार्ट कर सकता हूँ। एक एक चीज याद रखना आराम से, पूरा EIA के ऊपर में बहस करने वाला हूँ, तमीज से समझाने वाला हूँ कि होता क्या है, रियलिटी में क्या हो रहा। तो मुझे फंड भी मेरे पास सब चीज मौजूद है, तो मुझे बताया गया कि हाँ ना, इसके लिए मुझे EIA करवाना होगा। मैंने ये क्या बोला, यू कह रही जो EIA ना, इसकी अवधारणा भारत के अंदर 1977-78 में भी, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कोई भी डेवलपमेंट का कार्य शुरू करने से पहले, चाहे तुम सरकार हो, प्राइवेट व्यक्ति हो, रिटेल हो, तुम इंडिविजुअल इंसान हो, कोई कंपनी हो, सबसे पहले प्लांट लगाते वक्त उसके निर्माण कार्य ही तब शुरू होगा जब आपके हाथ में NOC होगा। विदाउट NOC यू कैन नॉट स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन वर्क, वही बात है, इसका मतलब निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते विदाउट NOC, यानी बिना NOC के आप काम नहीं शुरू कर सकते। चलो अब भाई मुझे जब काम नहीं शुरू कर सकते, तो मुझे समझाया गया कि भाई NOC चाहिए। मैंने सोचा पैसे तो मिल गए, अब तो सब चीज़ का जुगाड़ हो जाएगा, कि पता लगा अब तो बहुत बड़ी समस्या,
यह जो अवधारणा थी धीरे धीरे उभर रही थी, और यह अवधारणा उभरते उभरते 1994 था, 1994 तक ये कहा गया किसी भारत के अंदर 1994 तक पूरी तरह परिपक्व हो चुकी थी यह अवधारणा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की। लेकिन इसका नाम तुम उस टाइम पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन है था नहीं। 1994 में क्या हुआ था, 1994 में जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 1994 में किसकी सरकार थी, ये एनडीए वाली सरकार थी, एनडीए दूसरा कहते हैं जो यूपीए की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह वाली सरकार थी। उन्होंने क्या कर दिया कि किसी भी परियोजना को तैयार करने के लिए और कोई भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो भारत के अंदर, सबसे पहले यह ना जो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जारी कर दिया। जैसे हम 1997 तक चलता रहा इस तरह ही, और इसे बहुत कठिन बनाते चले गए, और जैसे ही ना सन 2000 से लेकर 2002 तक के बीच में ये कहा गया ना कि 2 साल की छुट्टी दे देते हैं, कोई भी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने साइन नहीं इंडिया का नारा दिया, इंडिया को साइन करो पर्यावरण भाड में जाओ, ऐसे वजह पर्यावरण भाड में जाओ, तो पर्यावरण को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। और जब इग्नोर कर दिया गया तो इसके परिणाम धीरे धीरे सामने आने स्टार्ट हो चुके, क्योंकि 2002 में ना जो जैव विविधता सम्मेलन वो हुआ, फेसबुक पे कठोर प्रतिबंध लगाए गए। कहानी समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश करी जा रही, ठीक, कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना होगा। फिर 2000 फाइनली बाद में जाकर पता चला, 2000 फिर यूपी की सरकार आई, जब यूपी की सरकार आई 2005 में फाइनलाइज कर दिया गया, और सितंबर 2006 में जो ईआईए है, ईआईए और ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, ईआईए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना कहते हैं, अधिसूचना। तो जो EIA नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया 2000 कब जारी कर रहा है 6 में, और आज तक यही चल रहा। और इसके अंदर जो बातें लिखी हुई वो मैं तुम्हें समझाने जाता हूँ, उसमें बता रखा है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन क्या हो। तो उसका नाम पता क्या है भैया, जो 2006 में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसका नाम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन 2006, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन पूरा नाम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 नाम लिखने जा रहा हूं। नाम है उसका पर्यावरण, अच्छा इंग्लिश में लिख दूं, ई का मतलब समझ गए, एनवायरमेंट, इंपैक्ट, असेसमेंट, अधिसूचना हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन 2006। तो जो 2006 में आया, और 2006 के बाद ना जैसे कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल के समय में इसे बदलने के लिए ड्राफ्ट लाया गया था, और तब तो चर्चाओं में, और जैसे ड्राफ्ट लाया गया फिर जनवरी में मेंस हुआ, और जैसे मेंस हुआ ना समझ ही बात क्या, तो तुरंत यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया इस पर कि 2006 वाले में और 2020 वाले में क्या अंतर था। जिस बच्चे 2006 में नहीं पता क्या लिखा हुआ तो 2020 वाले में तो पता नहीं क्या होगा, तो मैं 2006 वाला पढ़ाऊंगा 20 वाला पढ़ाऊंगा क्या समस्या थी। फाइनली बाद में जाकर पता चला क्या होगा, क्योंकि 2020 वाला आया था ना वो इतना खतरनाक था, उसमें पर्यावरण को इतनी बुरी तरह इग्नोर कर दिया गया कि जितने पर्यावरण को लेकर जो पर्यावरण विशेषज्ञ थे वे संवेदनशील थे, और सरकार के खिलाफ प्रणाली लगाने स्टार्ट कर लिए। बाद में जाकर जो ईआईए नोटिफिकेशन 2020 का आया, सरकार को उसे वापस लेना पड़ा, सरकार की शर्म दर्द कर दिया। जो पर्यावरण का ध्यान रखने वाले, जो पर्यावरण विशेषज्ञ, जो पर्यावरण की जानकारी रखते हैं, पर्यावरण की पढ़ाई करते हैं, जो हमारे बहुत सारे सिविल सोसाइटी है, जो नागरिक समाज है हमारा, जो जागरूक समाज है, उसने जबरदस्त आंदोलन करा, और फिर फाद में जाकर जो ड्राफ्ट जारी करता है, ड्राफ्ट था वो, नोटिफिकेशन नहीं आता, वो कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन बन जाता, फिर उसके ही रूल आगे जारी होते। समझ में आ रही क्या कहने कुछ करी जा रही, सबकी समझ में आ रही हो क्या क्या खास बातें बताई जा रही है। उसके बाद में जाकर उसको वापस लेना पड़ा। अब हमें 2006 का ही पढ़ना होगा, लेकिन मैं 2020 का वाला भी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर क्या बात लिखी हुई थी ऐसी बात समझाई। लेकिन पहले तो हमें 2006 का पढ़ना पड़ेगा ना, कि 2006 अब जो काम चल रहा है ना देश में, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो तुम्हें इस नोटिफिकेशन के अनुसार चलना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन में जो बात लिखी हुई उसके अनुसार देश में प्रोजेक्ट में कार्य होगा। इसकी इस नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करवाना जरूरी, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी विकास कार्य का, कोई भी विकास कार्य देश में कर रहे हो उसका देखना होगा, उस विकास कार्य का या उस परियोजना का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, पर्यावरण के योजना पर्यावरण के अनुकूल होगी या फिर प्रतिकूल होगी, और अनुकूल होगी तो कितने होगी और प्रतिकूल होगी तो कितने होगी, पर्यावरण पर कितना प्रभाव डाल लगी, इसका मूल्यांकन करना ही पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहलाता। ये बात अधिसूचना 2006 में लिखी हुई, ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में लिखी हुई, और वही मैं तुम आज पढ़ाने आया। पूरी कहानी दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक। अभी तू एक तो पूछ, क्या बताया मैंने, अब भाषा अगर फिर से लेना फिर देख लेना। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कोई परियोजना हो, परियोजना इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट, इसे इंग्लिश के नाम जो बताता हूँ ना उस पर विशेष करके फोकस करके चलो। तो जो प्रोजेक्ट भारत के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या था, पहले हम ना केवल विकास कार्यों पर ध्यान देते थे,
जैसे वर्ष 1956 में हमारे यहाँ औद्योगिक नीति आई थी, जो द्वितीय दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना हमारे यहाँ, पहले 5-5 साल के प्लान चलाते कि 5 साल प्लान बनाया काम करा, पहली योजना थी, पहली योजना स्टार्ट हुई थी, प्लानिंग कमीशन जिसे बोलते हैं, उसमें कृषि को लेकर प्रावधान करा गया था 1951 से लेकर, देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, 1951 से लेकर 1956 तक हमने ना कृषि पर जबरदस्त मात्रा में ध्यान दिया, प्राथमिक क्षेत्र जिसे कहते हैं उस पर बढ़िया करके ध्यान दिया। जो दूसरी नीति आई हमने सरकार ने, पंडित नेहरू की सरकार थी 1956 से लेकर 1961 तक, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना उसमें क्या औद्योगिक, उसका नाम ही था औद्योगिक नीति, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें औद्योगिकरण की बात कही गई, जब औद्योगिकरण की बात कही गई तो वहाँ पर्यावरण को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। और उसी के दशक में 1960 के दशक में जो विकसित देश थे वहां पहले औद्योगिकरण हो चुका था, वहां पर्यावरण के प्रभाव देखने को मिलने स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए वहां इतना गम है हमारा, वहां 1960 में विकसित हुई, हमारे यहाँ 2006 में, हमारे यहाँ 2006 में कितने, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ था, हम तो औद्योगिक नीति लेकर आ रहे थे अभी, हमारे यहाँ तो कंपनी ने लगी थी, हमारे तो लोग हाथ से काम कर रहे थे, हमारे यहाँ पर्यावरण को नुकसान ही नहीं आता। तो धीरे 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 अब जब 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, सुनूंगा मैं क्या बताया, आपने बताया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक नीति आई थी जिसे महान बोलिस मॉडल के नाम से जानते हैं, महान बोलिस, हाँ एक व्यक्ति थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, समझ नहीं बात, महान बोलिस मॉडल के नाम से जानते हैं, और जो नीति आई थी ना, इस नीति के बाद क्या हुआ, देश के अंदर औद्योगिकरण धीरे धीरे अपने पैर पसार चुका, और जब अपने पैर पसार चुका तेज तेजी के साथ सीडी कुल बनने स्टार्ट हुए, रुद्रपुर में कंपनी लगने स्टार्ट, गुड़गांव हुआ, हरियाणा हुआ, जहाँ जो बड़े बड़े क्षेत्र है ना देश के अंदर, कौन कर्नाटक हुआ, देश कंपनियां लगनी स्टार्ट हुई, जो काम कभी हाथ से किया करते थे वो मशीनों तोड़ना स्टार्ट हो चुका, इसे औद्योगिकरण बोलते हैं। जब औद्योगिकरण होना स्टार्ट होगा तो फिर औद्योगिकरण हुआ होगा, जब कंपनी बनाई होगी तो पेड़ को नहीं काटा होगा, तो पेड़ को काटा होगा, लेकिन उस टाइम पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, उस टाइम पर हम ध्यान नहीं दे रहे थे, समझ बात है, हमें तो बस विकास करना था, वह किसी तरह ना हम जल्दी जल्दी अपने देश का उत्पादन बढ़ा दो, क्योंकि किसी भी देश को ना हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और किसी देश को आगे तभी बढ़ाया जा सके जब उसके अंदर प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, और प्रोडक्शन उत्पादन तभी बढ़ाया जाएगा जब कंपनी लगाई जाएगी, कंपनी लगाने का मतलब औद्योगिकरण हो। ये सारा काम हमने पता कब तक करते गए, 1970 तक करते गए, और 1970-80 के दशक में ना हम जो पर्यावरण पर प्रभाव होते वो आने स्टार्ट हो चुके। 1970 के आसपास इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी की सरकार को भी ना चेताया गया दूसरे देशों ने, बस बताने की कोशिश करी भाई तुम भी पर्यावरण पर ध्यान दे लो, इंदिरा गांधी ने नहीं ध्यान दिया, वह तो अपने एटीट्यूड में थी, क्या समझ में नुकारी, क्या जरूरत पड़ रही कंपनी की, भारत की देशों की जरूरत नहीं है, पेट्रोल की जरूरत क्या, तुम एक काम करो साइकिल चलाओ, सही बात यार, थोड़ा स्वस्थ रही भी स्वस्थ रहेगा, मजा आएगा। उन्होंने किसी की सुनी, ऐसे समझ में, पहली बात तो उसे प्रधानमंत्री बनाने चाहते थे, देश के इतिहास में एक ही प्रधानमंत्री हुआ जो महिला, सही बात है, इससे पता चल रहा है हमारा देश यहाँ कितनी पितृसत्तात्मक सोच हावी, लोगों को लोग ना जो भी पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा दे, अब बड़ी मुश्किल से सोचा चल एक को प्रधानमंत्री बनाए दे, वैसे तो बनना नहीं चाहती थी, इन्होंने धोखे तो बैठाई दी उसे, जब बैठाई दी ना फिर इनका ऐसा वोट करके पिटा ना उसने किसे बैठा दिया, जितने भी संविधान में कानून थे ना सबका पालन करा उन्होंने, समझ की बात, उसे पता लग रहा था ना उसकी सरकार हारने वाली, तो वहां लिखा था अनुच्छेद 352 में लिखा राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते, अच्छा किसी ने आके बताया जी संविधान में लिखा हुआ, उसे पता किसी 2 साल तक बेटा छुट्टी कुछ नहीं घर में रहो, इतनी खतरनाक नेता। तो क्या हुआ 1970 के दशक तक आते आते क्या क्या हुआ, भारत में भी इसका प्रभाव दिखना स्टार्ट हो चुका, तो भारत ने बात करनी स्टार्ट कर दी, भाई हाँ अब प्रोजेक्ट लगाओगे पर्यावरण को ध्यान में रखना होगा, बस बात हो रही थी यहाँ से। उसके बाद 1994 तक आते आते हमने भी अलाउड कर दिया कि किसी भी प्रोजेक्ट में पर्यावरण की पहले पर्यावरण का मूल्यांकन करना होगा, पहले ना उसकी मॉनिटरिंग करनी होगी, निगरानी करनी होगी, और जगह जगह जाकर देखना होगा तुम टीरी बांध को बना रहे हो, टीरी बांध को बनाते वक्त इसका प्रभाव पर्यावरण पर कितना पड़ने वाला इसका देखना होगा, तुम निगरानी करो, टीरी बांध के उदाहरण देश के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो उसका पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना होगा, 1994 तक फिक्स कर दिया, 2000 तक अच्छा काम चला। जैसे 1998 आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, वे नु कह रहे हम देश को साइन कर देंगे, साइन इंडिया का नारा दिया, साइन इंडिया का चमका देगा, चमकाओगे तो देश को तो चमकाओगे पर्यावरण को थोड़े चमका दोगे, ऐसे समझ में, तो चमकाया देश को बढ़िया करके चमकाया उन्होंने, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू करे, लेकिन इग्नोर पता किस चीज को कर दिया, पर्यावरण। और आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका, विकास या पर्यावरण, विकास या पर्यावरण, कंपनी काटोगे या पेड़ लगे रहने दो, कंपनी जो हो पेड़ काट कर कंपनी लगाओगे या पेड़ लगे रहने दोगे, अब समस्या खड़ी होगी। आज यह बहुत बड़ी लड़ाई है, अब कल को तुम ब्यूरोक्रेट बनते हो तो ब्यूरोक्रेट बनते वक्त तुम किसी कंपनी अपने जिले में कंपनी लगने देना चाहते हो तो तुम्हारे सामने सबसे बड़ी समस्या पहले यही आ गई,
कि तुम पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन उसका हुआ या नहीं हुआ, और तुमसे यही सवाल उठाकर पूछेगा तुमसे कि अब तुम्हें किसी जिले में भेज दिया गया, वहां एक कंपनी लगाया जा रहा है, अब पर्यावरण और जो विकास है उसका मुद्दा खड़ा हो जाएगा कि तुम पर्यावरण को वरीयता दोगे या विकास को वरीयता दोगे। अब विकास भी बहुत जरूरी, अगर विकास नहीं होगा फिर लोग खाएंगे क्या, ऐसे समझ लो विकास भी तो बहुत जरूरी है, फिर तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे फंसा लगा कि इस स्टेट देखो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें कलेक्टर बना दिया गया उस जिले का, जब तुम्हें उस जिले का कलेक्टर बना दिया गया कि तुम वहां विकास को वरीयता दोगे पर्यावरण को वरीयता दोगे, फिर तुम फंस जाओगे वहां से। अगर तुमने कहा कि मैं पर्यावरण को वरीयता दूंगा तो फिर फिर लोग भूखे मरेंगे, आए तुमने तू कहेगा कलेक्टर है, समझ नहीं बात है। अगर तुमने कहा कि मैं विकास को वरीयता दूंगा, अच्छा तो फिर तू कहेगा कलेक्टर है, तू जो विकास पर ध्यान नहीं दे रहा। और हम आज हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी आईएएस अधिकारी 400-500 अधिकारी देश में काम कर रहे हैं, ये आईएएस अधिकारी एक भी आईएएस अधिकारी ऐसा नहीं है जो अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ कभी भी अपने जिले के अंदर कलेक्टर होने के बावजूद भी उसने कभी भी सतत पर्यावरण विकास पर तो ध्यान दिया, पर्यावरण को पूरी तरह इग्नोर करा। और कलेक्टर की पूर्ण रूप से जिम्मेदार होनी चाहिए, इसलिए कहता हूँ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं तुम्हें सुझाव भी दूंगा, तुम क्या सुझाव दोगे, तुमसे इंटरव्यू में बैठेगा पैनल में बैठा के पूछेगा तुमसे क्या करोगे तुम, अगर तुम फंस गए तो इसका मतलब तुम कहेगा एक साल और तैयारी करेगा भाई जी, जो समझा रहे थे ना उसे दोबारा समझेगा, समझ तो बात समझ में आई। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है, 2002 तक आते आते 2005 में जैसे ही तो मनमोहन सिंह यार बहुत दूरदर्शी लोग थे, लेकिन मनमोहन सिंह को लोग समझ नहीं पाए, मनमोहन सिंह को समझने में लोगों ने टाइम लग गया, क्योंकि मनमोहन सिंह बहुत टेक्निकल आदमी थे। बताया तो मनमोहन सिंह ने कई साल पहले बता दिया था समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे बोलते हैं, और मोदी ने ऐसा बस उसने भी कहा सबका साथ सबका विकास, मोदी देसी आदमी, आया समझ में, बात वही थी बिल्कुल भी। तो लोग उससे समझ नहीं पाए, और तुम बता पढ़े लिखे लोगों की बात कम समझवाओ, उसे बेवकूफ समझा क्या, तो लोग उसकी बात समझ भी नहीं आती, ऐसे में यूं ही बड़ा बड़ा रहा क्या कह रहा है, समझ में आया बात या ठीक। तो 2006 तक आते आते 2006 में आते फाइनली जाकर हमने एक नोटिफिकेशन एक अधिसूचना जारी कर दी, और जब अधिसूचना जारी कर दी, अच्छा अधिसूचना किसने जारी करी, पर्यावरण मंत्रालय जो अधिसूचना जारी करी है, ये किसने जारी करी, अच्छा ये पर्यावरण मंत्रालय ने जारी करी, ये अधिसूचना जारी करी ना, अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करा, किसने जारी करा, पूरा नाम क्या है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कब बदला इसका नाम, 2015 में बदला गया इसका नाम, बदल कर इसका नाम पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया। अच्छा यो पर्यावरण मंत्रालय ने ऐसा काम क्यों करा, क्यों, क्योंकि जो हमारे यहाँ ने एक एक्ट, उस एक्ट का नाम हो, एक्ट का मतलब कानून अधिनियम, उसका नाम है ईपी एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में कहते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ईपीए एक्ट, ईपीए जो एक्ट इस 1986 का जो एक्ट, ये मदर एक्ट पर्यावरण का, पर्यावरण की माँ है, आया समझ में ठीक। इसने इसे शक्ति दी, इसने अधिसूचना जारी कर दी, इसने इसे शक्ति दी, इसने जो वैधानिक दर्जा दिया, इसे जो वैधानिक दर्जा दिया गया, जो ईआईए अधिसूचना ना, इसे जो ताकत मिली यहाँ से मिली, आया समझ, इसने अधिसूचना जारी कर दी, अधिसूचना जारी कर दी, उसके अंदर जो बात लिखी हुई, अब किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करते हुए उन्हीं बातों को ध्यान में रखना होगा, और वही मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। फाइनली बात समझ में आई क्या क्या करे जा रही। वैसे 2020 का भी आ चुका था, लेकिन वो केवल ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट उसे कहते हैं जो लागू नहीं हुआ, ड्राफ्ट केवल ड्राफ्ट, हिंदी में ड्राफ्ट नहीं लिखेंगे उसे, लागू नहीं हुआ, अधिसूचना नहीं बनी हुई, ड्राफ्ट था कि हम ये करने वाले, जैसे एक पता लगा लोगों को ये करने वाले तो लोग रोड पर उतर ले, हम ये करने नहीं देंगे, ऐसा समझ में, तुम ये करने वाले हम नहीं करने देंगे, जब नहीं करने देंगे तो उसको फाइनली जाकर सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को इसे फिर वापस लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि पर्यावरण को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। यह बात तुम ईआई नोटिफिकेशन 2020 का पढ़कर पता चलेगी कि पर्यावरण को कितनी बुरी तरह से इग्नोर मार रहे थे, ऐसे इग्नोर मार रहे थे जैसे एग्रीकल्चर को इग्नोर मारा 30 सालों में, उन्होंने एग्रीकल्चर की बुरी व्यवस्था कर दी, आज भी एग्रीकल्चर ना अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहा, सही बात है। जब मैं बजट सब कुछ पढ़ते हैं, सारी नीतियाँ पढ़ता हूँ मैं, सरकार की सारी नीतियाँ जब पढ़ता हूँ अध्ययन कर लूँ, कहीं भी एग्रीकल्चर का नाम निशान नहीं है, ये देश बर्बादी की कगार पर जा रहा है। जब तो एग्रीकल्चर को छोड़ दोगे ना, भूल जाओगे एग्रीकल्चर को, तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश का बैकबोन है वो, और जब तक वहाँ ध्यान नहीं देने ना कुछ नहीं हो सकता। अब हम ईआई में देखेंगे, ईआईए को देखेंगे, ईआईए अधिसूचना 2006, अगर पर्यावरण को इग्नोर करा गया हमने, पर्यावरण को हम पहले से इग्नोर करते चले जा रहे, अब भी यहाँ देखेंगे पर्यावरण को इग्नोर करते जा रहे। अब पर्यावरण को इग्नोर करने का नतीजा पता क्या निकला, वर्ष 2020 में ना पर्यावरण को इग्नोर कर 2020 में वो तुम्हारा पाया क्या नाम था उसका, कोरोना, आया समझो, वो पर्यावरण की देन, वो चमगादड़ों में पाए जाने वाला रोग था, जो चमगादड़ों के अंदर हुआ करता था ना, उसकी इम्यूनिटी झेल नहीं पाई, उसे उन्हें ट्रांसफर कर दिया मनुष्य को, जा बेटा उसके पास जा,
और तुम्हारे भीतर आया हो अफेयर, क्यों, कारण क्या था उसका? क्योंकि हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया। अब चमगादड़ तो गए, हो गए खत्म, ऐसे समझ में, तू किसी ना किसी को चिपटता ही हो, ऐसे समझ में। चमगादड़ तो खत्म कर दिया हमने, प्रदूषण इतना निकाल ले, जलाओ कोयला दबाएगा, समझ की बात क्या? तो चमगादड़ तो गए साहब, चमगादड़ तो गए मर, तो किसे प्रभाव करा, प्रभाव किस पर डाला? मनुष्य पर। क्यों? क्योंकि हमने ई आई ए पर ध्यान नहीं दिया, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन जानते हो। अब पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में क्या कहा गया, ये समझो क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया। जी बोलो, जी बोलो, क्या कह रहे हैं आप, समझ आई बात या? तो ई आई ए नोटिफिकेशन 2006 में क्या लिखा हुआ, इसमें कहा गया ई आई ए नोटिफिकेशन 2006 में कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट हो गए, जितने प्रोजेक्ट होंगे देश के अंदर, उन दो श्रेणियों में मॉडल लगे। ई आई ए नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, जितने प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट जितने प्रोजेक्ट होंगे उन्हें कितने भागों में मॉडल होंगे, एक तो श्रेणी ए एक श्रेणी बी, एक तो श्रेणी ए है एक श्रेणी बी है, कितने भागों में मॉडल होंगे? अब जो श्रेणी ए होगी और जो श्रेणी बी के प्रोजेक्ट होंगे, श्रेणी ए के जो प्रोजेक्ट होंगे वहां जो काम करता होगा वहां केंद्र सरकार परमिशन देगी, और जो श्रेणी बी के प्रोजेक्ट होंगे, मान लो बहुत छोटा प्रोजेक्ट, मान लो तुम्हें एक छोटी सी फैक्ट्री बनानी तुम, और तुम पकौड़ा फैक्ट्री खोलनी, समझ गए, पकौड़ा फैक्ट्री खोल कर ना तुम पकौड़े बेचने, पकौड़े बेचोगे बैठ कर रख कर, तुम पकौड़ा फैक्ट्री खोल कर तुमने एक तरफ रख लिया भाई, रख दी तुमने, समझ आई बात है, पकौड़ा फैक्ट्री खोल कर तुम सबको लगा दिया वहाँ, छोटा सा कारोबार। एक काम करो तुम्हें, फिर केंद्र सरकार का जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, फिर तुम्हें राज्य सरकार से ही परमिशन मिल जाएगी। इसका मतलब जो तुम्हारी फैक्ट्री ना, वह छोटी फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री ना, उसके लगाने के लिए तुम्हें मंजूरी लेनी पड़ेगी, और मंजूरी लेनी पड़ेगी तो तुम्हें जो तुम्हारी जो फैक्ट्री हो, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वो श्रेणी बी में आएगा, समझ की बात। या अगर तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी 20 करोड़ रुपये लग रहे हैं इसमें, और बहुत सारे प्रभाव डाल सकती है, और इसके लिए ना मुझे, इसके लिए मुझे कम से कम 20 बीघा जमीन की आवश्यकता, 20 बीघा जमीन भी चाहिए, 20 बीघा जमीन भी चाहिए, इसलिए मेरा प्रोजेक्ट श्रेणी में आएगा, बात समझ में आई बात। मान लो तुम्हें ठेला लगाना, दस ठेले लगाने तुम्हें, 10 जनी ना तुम 10 ठेले लगाने तुम करम भाई, बिल्कुल अलग अलग ठेला खोलना तुम्हें, उसके लिए तुमने कंपनी तैयार करनी, तो कंपनी तैयार करने के लिए तुम्हें यार इसके पर्यावरण मंत्रालय की जरूरत नहीं है, श्रेणी ए में नहीं तुम्हारी फैक्ट्री जो तुम पकौड़े वाली लगाओगे, और श्रेणी बी में आगी छोटी फैक्ट्री है ना तुम्हारी, ऐसे समझ में। मान लो कल को मैं अपना रोजगार बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसकी यूनिवर्सिटी के साथ ना अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी जोड़ना चाहता हूँ अपनी, इसे ना 20 हजार करोड़ की बनाना चाहता हूँ कंपनी को, कितने की? श्रेणी बी में आने का मैं ना, श्रेणी ए में आऊंगा, तो मेरा प्रोजेक्ट श्रेणी ए में आएगा, अधिसूचना में यही बात लिखी हुई, कौन सा ए में आएगा कौन सा बी में आएगा, ऐसे समझ। जितने भी देश के अंदर प्रोजेक्ट लागू होंगे ना, कोई भी प्रोजेक्ट आया, सबसे पहले मान लो तुम कुछ भी काम स्टार्ट करना, तो सबसे पहले तुम पता क्या करोगे, सबसे पहले उसके अधिकारी चेक करेंगे, अधि चेक करके देखेंगे, अच्छा इतने पैसे खर्च करोगे, चलो श्रेणी ए में आएंगे, अच्छा इतने कम पैसे खर्च करोगे, चलो श्रेणी बी में आएंगे, तो भाई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जो राज्य सरकार है ना उत्तराखंड की जो सरकार है वही परमिशन दे देगी श्रेणी बी वालों को, और श्रेणी बी के अंदर भी दो, B1 B2, वो मैं बात बताऊंगा अभी, अभी बता नहीं जा रहा हूँ मैं तुम, एक B1 एक B2 हो, इसके अंदर भी दो, लेकिन पहले याद रखो इसमें छोटे प्रोजेक्ट आएंगे, इसमें ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं हूँ कौन कहने वाला, यो कह रहा अधिनियम, यदि सूचना है उसमें लिखी है बात, वो तुम्हें आसान भाषा में, वो टेक्निकल लिखी हो आसान भाषा में करके बता रहा हूँ तुम्हें, बात समझ नहीं, मुझे लगा घर जाना है, जा छोड़िया सर, जा तो उठा सर, हाथ पकड़ के ले जाइए, अब पैर कर गई इधर को उधर बैठ गई, कर लगा भाग गई, सही लगा ना, तो श्रेणी ए के प्रोजेक्ट हो सका, श्रेणी बी के प्रोजेक्ट होंगे, तो श्रेणी ए के प्रोजेक्ट श्रेणी बी के प्रोजेक्ट होंगे, तो जो श्रेणी ए के प्रोजेक्ट होंगे ना, श्रेणी ए के प्रोजेक्ट के लिए अगर तुम्हें परमिशन चाहिए ना, अगर तुम्हें NOC चाहिए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें पर्यावरण मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा, पर्यावरण मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा, यस पर्यावरण पर्या मंत्रालय जो वादा किया वो निभाना पड़े। अच्छा अगर तुम्हें श्रेणी बी के प्रोजेक्ट की मंजूरी लेनी तो राज्य के अंदर जाना पड़ेगा, और राज्य के अंदर ना, राज्य के अंदर कोई पर्यावरण मंत्रालय नहीं होता, कभी सोचो राज्य के अंदर कोई पर्यावरण मंत्रालय बैठा हुआ, तो राज्य के अंदर ना एक ना अथॉरिटी बनाई जाएगी, उस अथॉरिटी का नाम बता रहा हूँ तुम्हें, SEIA अथॉरिटी,
इसे बोलते हैं स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। दोबारा फिर समझ लो, स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी कहते हैं प्राधिकरण, ये अथॉरिटी देगा, आज समझ में। तो राज्य इसे बोलते हैं राज्य प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, प्राधिकरण अपराधी नहीं है, प्राधिकरण है यो, ये बनाई जाएगी, एक अथॉरिटी बनाई जाएगी राज्य के अंदर, या परमिशन देगी बस छोटे प्रोजेक्ट को। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है कोई दिक्कत? बात समझ में आई? पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमें, अगर हमारा प्रोजेक्ट श्रेणी ए का हो तो कहाँ जाना पड़ेगा, अगर श्रेणी बी का हुआ स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, हिंदी में नाम है राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण। दोबारा फिर समझो, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण, ये बनाई जाएगी अथॉरिटी बनाई जाएगी। समझ आई बात है? या अथॉरिटी चेक करके तुम यही एक सर्टिफिकेट देगी, फिर तुम अपनी कंपनी लगा सकते हो। लेकिन ये जो काम लग रहा है ना, इतना आसान है नहीं जितना बताया जा रहा। देखो अब मुझे पर्यावरण मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा, तो पर्यावरण मंत्रालय के पास जैसे ही मैं जाऊँगा ना, सही बात है, मैं अपना प्रोजेक्ट इसे कागज इकट्ठे करे मैंने, तो कागज इकट्ठे करके ना मैं कागज इकट्ठे करके ना मैं पर्यावरण मंत्रालय के पास चल दिया। सही बात है। अब ये पर्यावरण मंत्रालय ना, ये पर्यावरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं, पर्यावरण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट पर्यावरण मंत्रालय इसके पास जा रहा था मैं। तो ये बता मुझे क्या बोल रहा भाई, यहाँ क्यों आए तुम? तुम्हें ना अब पता क्या करना होगा, तुम्हें सबसे पहले ना अपने प्रोजेक्ट का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करवाना होगा। मैंने कहा ये क्या बोला भैया, पैसा मैं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा बेटे 2006 तो पहले नहीं आता, पहले तो ले देगा काम चल जाता, अब पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना पड़ेगा जब तो 2006 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मैंने कहा मेरे दादा ने फैक्ट्री खोली थी 1986 में, उसमें तो कुछ ऐसा आता नहीं बेटे, 1986 नहीं, 2006 के बाद की बात चल रही है उसी, ऐसा समझो ठीक है, यूनिवर्सिटी खोली थी वहाँ तो कुछ ऐसा नहीं, कोई बात नहीं बेटे, साल दूसरा ठीक, ये सवाल दूसरा। तो पर्यावरण, जैसे मुझे पर्यावरण मंत्रालय के पास जाना पड़ेगा, तो पर्यावरण मंत्रालय के जो पर्यावरण मंत्री थे, क्या नाम उनका, भूपेंद्र यादव, जो भूपेंद्र यादव दीदी थे, कहने लगे एक काम करो बेटे, अभी मैं साइन नहीं कर सकता, पहले तुम्हें पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना पड़ेगा, नहीं तो कोर्ट मुझे बुला लगा, कोर्ट मेरे ऐसी तरह कर देगा जो सुप्रीम कोर्ट। अच्छा मैंने कहा जी क्या बोला हो, सुनो मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम सुनो, हमने ना देश के अंदर ये पर्यावरण मंत्रालय कहता है, हमने ना बहुत सारी कंपनी को परमिशन दे रखी। मैंने कहा कंपनी कौन, एक एजेंसी है, और ये एजेंसी ऐसी ही 15-20 एजेंसी काम कर रही थी इसमें, ये पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन ही करती है, इनकी एक टीम हो, वह क्या करती है, वो टीम तुम्हें बताओगी, तुम्हारी कंपनी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, और चेक करने के बाद ना उनकी टीम वहाँ जाँच करने जाएगी, जो एजेंसी है ये जाँच करने जाएगी, देखने जाएगी, और लोगों से बातचीत करेगी, पता करेगी इसका पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना नहीं प्रभाव पड़ेगा। तो तुम वहाँ जाओ और उस एजेंसी के पास जाओ, पर इसी पर्यावरण मंत्रालय था नहीं, मैं तो डायरेक्ट पर्यावरण मंत्रालय के पास चला गया, अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट लेगा। मैंने कहा SN यूनिवर्सिटी नाम से प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ जी, मैं 20 करोड़ रुपए के आसपास का मेरा प्रोजेक्ट दे दो तुम। इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, पहले EAI नोटिफिकेशन जो 2006 के तहत तुम्हें काम करना होगा, पहले ना तुम किसी एजेंसी के पास जाना होगा। मैंने कहा जी एजेंसी कौन सी है, कहने लगे एजेंसी वहाँ आया जो हमने बनाई है, 15-20 एजेंसी देश में काम कर रही है। मैं चला गया एजेंसी, मैं चला गया मुंबई वाली एजेंसी के पास, मुंबई वाली एजेंसी ने मुझे बताया कि इस एजेंसी में ना जो तुम्हें EIA है, EIA कैसे होगा, अब EIA देखो कैसे होगा, जैसे एजेंसी के पास चला गया, अब मैं यहाँ तो अपना रुख मैंने मोड़ लिया, मुझे पर्यावरण मंत्रालय ने धोखा दे दिया, अब मैं चला गया एजेंसी के पास, किसके, नैन्सी नहीं एजेंसी, नैन्सी भूल जाओ, ये एजेंसी के पास चला गया। अब 15-20 एजेंसी देश के अंदर काम कर रही, और देश के अंदर अलग अलग कोने में अलग अलग जगह की, सही बात है, कुछ प्राइवेट भी है कुछ सरकारी भी है, और इन एजेंसी के अंदर बताओ कौन बैठे रहा, वो जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हो, जिन्हें पर्यावरण का अनुभव हो, जिन्हें सरकार ने बैठाया हो। ये पर्यावरण एजेंसी क्या करती है, इन्हें ना पर्यावरण जो एजेंसी है, इन्हें लाइसेंस मिलता पर्यावरण मंत्रालय था, इन्हें एजेंसी खोलने के लिए लाइसेंस मिला हुआ, अब मैं इसके पास नहीं जाने का, इसके पास जाऊंगा, इसके अधिकारी बैठे होंगे, वे अधिकारी क्या करेंगे, वे अधिकारी क्या करेंगे, ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से, ये अधिकारी क्या करेंगे, ये अधिकारी मेरे से मेरे सारे डॉक्यूमेंट ले लेंगे, कागज ले लेंगे, मैं चेक करेंगे 20 बीघा का प्लॉट इतनी लंबाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी, इतने साले से बनाने में लगेंगे, सही बात है, इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे, और जो पेड़ काटे जाएंगे ना तो वहाँ आस पास में बहुत सारे लोग भी रहो और वे भी प्रतिस्थापित होंगे, सही बात है, अपना उनके उनकी झोपड़ी हटानी पड़ेगी तो उन्हें भी रोजगार देना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाएंगे सब चीज़ चेक करने ना, इसके 10-15 लोग ना हमारे यहाँ प्रोजेक्ट मांगे और वे चेक करेंगे A to Z और आस पास के लोगों से बात करेंगे,
आसपास के लोगों से बात करेंगे, सही बात यार, ये आसपास के लोगों से एजेंसी वाले आएंगे हमारे यहाँ से, एजेंसी वाले, और एजेंसी वाले ने फिर ये बताएंगे, एजेंसी वाले फिर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, दोबारा से सुन लो, ये एजेंसी वाले ना मेरे इस प्लॉट मांगे, इस 20 बीघे का प्लॉट मांगे, जो 20 बीघा का प्लॉट है इस मांगे एजेंसी वाले, सही बात यार, डॉक्यूमेंट उनके पास, तो फिर क्या करेंगे, EIA रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, EIA रिपोर्ट तैयार करेंगे, समझ नहीं आती है, कौन तैयार करेंगे, EIA रिपोर्ट मैंने तैयार करने का, EIA रिपोर्ट एजेंसी तैयार करेंगे, दोबारा फिर समझे, बहुत व्यापारी को समझा रहा हूँ, ये एजेंसी ने जो जिस सरकार ने परमिशन दे रखी, पर्यावरण मंत्रालय ने जिसे लाइसेंस दे रखा है, वह ना EIA रिपोर्ट तैयार करेगी, और EIA रिपोर्ट करके इसमें क्या क्या देखेगी, पहले नंबर पर चेक करेगी कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बनने पर वहाँ समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले नंबर पर यार तुम यूनिवर्सिटी तो बना रहे हो, आया समझ में, और जो यूनिवर्सिटी बना रहे हो तुम, और लेकिन यहाँ तो ना 50 घरों की बस्ती तोड़नी पड़ रही, और जब तुम्हारा प्रोजेक्ट बनना, सोनू जी तुम्हारा प्रोजेक्ट काम करनी है, अभी मुझे तो बहुत बड़ा झटका लगा, मैं भी इनके साथ साथ घूम रहा है, इस अधिकारी से आए, मैंने कहा जी यहाँ बनेगी यूनिवर्सिटी, यहाँ तो जगह ही नहीं है, मैंने कहा जी देखो इस तरह बात, ये 50 घर है ना, 50 घर को मैं क्या करूँगा, 50 घरों को मैं यहाँ तो विस्थापित, मैंने प्लान बताया सारा उन्हें, मैंने कहा देखो 50 घरों को मैं विस्थापित करके कहीं और भेज दूंगा, इन्होंने ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे मुआवजा दे दूंगा, चलो अच्छी बात है, मैंने कहा देखो इनके जो बच्चे ना 50 घरों के अंदर जो बच्चे रह रहे उन्हें सबको पूरे साल भर की जब तक मैं पढ़ेंगे मुफ्त एजुकेशन में दूंगा, सोचा बात तो बढ़िया, इस तो बढ़िया, मैंने कहा बस्ती वाले सारे के सारे राजी, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैंने कहा बात तो ठीक ठीक, लेकिन मैं तो बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ करे नहीं रखा, मैं बताया उससे कुछ और, सही बात है, मैंने इनसे सबसे बात कर रखी, अधिकारी हूँ, ठीक बात, कहने की बात समझ में आ रही, क्या कहने की कोशिश जा रही, जो एजेंसी वाले आए यहाँ इन्होंने चेक करी, चेक करने के बाद इन्होंने EIA रिपोर्ट तैयार करी, कहने लगे यार सोनू जी एक बात तो बताओ, ये पूरा का पूरा पेड़ का जो कितना बड़ा भाग है इसे भी काटना पड़ेगा, मैंने कहा देखो काटना तो पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा जी यहाँ 10,000 पेड़ कटेंगे ना, 10,000 पेड़ कटेंगे, मैंने 2 किलोमीटर दूर अगर एक खाली जगह पड़ी हुई, अरे खाली जगह में ना 10,000 की जगह में 15,000 पेड़ लगा दूंगा, कहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट तुम रोकोगे, ऐसे समझ में, ठीक मैं भी तो बहुत तेज हूँ, मैंने कहा कि मैं धन 10,000 की जगह 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर ये पेड़ इतने सारे पेड़ लगा दूंगा, मैंने कहा बात तो बढ़िया है यार, ठीक है यही बात सही है। अब समस्या पता क्या हुई, समस्या ये खड़ी हुई, आसपास जो जंगल थे जो मुझे काट रहे थे उसके अंदर ना 4-5 टाइगर भी रहो, क्या रहो, अभी जंगल का उनका आवास नष्ट हो जाएगा, मैंने कहा जी इन्होंने मैं टाइगर को मध्य प्रदेश के अंदर ट्रांसफर करवा दूंगा, इसकी मेरे साथ बात हो चुकी, सबका प्लान कर रखा था मैंने, समझ गए, क्योंकि फिर मैं प्रोजेक्ट रोक देते मेरा, समझ नहीं बात, और ऐसा ही हो बिल्कुल सेम, एजेंसी वाले चेक करने जाएंगे, ठीक ये दूसरे नंबर पर आगे चलो, उसके बाद जैसे इन्होंने चेक करा, चेक करने के बाद ये क्या करेंगे, इस सारे काम में पता कितना टाइम लगा, कम से कम 28 महीने का काम लगा, ये तुम्हें 5 मिनट का काम दिखाई दे रहा है अभी, 28 महीने लग जा, 3-3 साल भी लग जा प्रोजेक्ट को तैयार होने में, और मुझे ना 2 साल हो गए NOC के पीछे फिर तो अब मेरे तो मेरे जो मेरे डॉक्यूमेंट सारे के सारे दिल्ली में पड़े हुए हैं, अब तक अगर उन्होंने पास कर दिया ना तो मुझे यहाँ से लोन प्रोवाइड होगा, ये रियलिटी मेरा अपना खुद का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें, समझे नहीं क्या, ठीक अब मुझे बाद में पता क्या समझ में आया कि प्रोजेक्ट पास होने का नहीं, अब मुझे क्या समझ में आया, अब समझाता हूँ और तुम्हें, अब उसके बाद क्या होगा, चलो इन्होंने अगर इन्होंने मुझे परमिशन दे दी, एजेंसी ने साइन करके दे दिए, ये मुंबई वाली एजेंसी है, इन्होंने मुझे साइन करके दे दिए, मुंबई में भी दिल्ली में भी जयपुर में बैंगलोर में हर जगह ऐसी एजेंसी 15-20 एजेंसी काम कर रही, अगर इनके अलावा कहीं और EIA रिपोर्ट लेकर आओगे तो जो पर्यावरण मंत्रालय एक्सेप्ट नहीं करने का, सही बात है, जो सरकार ने जिसे लाइसेंस दे रखा है उस पर ही मुझे उस एजेंसी पर मुझे इसकी ना EIA करवाना होगा, EIA रिपोर्ट तैयार करवानी होगी, EIA रिपोर्ट तैयार मैंने बता लगा किस तरह होगी, नियम तो ये क्या होगा पर्यावरण मंत्रालय जो अधिसूचना हुआ तो ये क्या होगा इस तरह करना होगा, ये चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये EIA रिपोर्ट तैयार करेंगे, EIA रिपोर्ट में ना इन्हें लगा कुछ जोड़ना चाहिए, कुछ घटाना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ये क्या कहते हैं इन्होंने थोड़ा सा संशोधन, ये क्या कर सकते हैं जो एजेंसी वाले इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और संशोधित कर सकते हैं, और संशोधित करके ना सही बात है ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तो EIA रिपोर्ट को इन्होंने साइन करके दे दिए, यहाँ एक मैडम बैठी हुई थी इसमें एजेंसी में, सही बात यार समय उस आदि उसकी भी नहीं हुई थी, समझ बात है किसी तरह का उन्होंने भी साइन कर दिया मेरी रिपोर्ट पर ऐसा करके, सुहाना नाम था उसका, क्या नाम था सबाना नहीं सुहाना, ऐसा करके उसने साइन कर दिए मेरी EIA रिपोर्ट पर साइन कर दिए, मैं खुश, आहा क्या बात है, माई यूनिवर्सिटी बनेगी ऐसे नहीं यूनिवर्सिटी बनेगी, सही बात है, मैंने कहा भी उसे मैंने कहा तेरे नाम से बनवा दूंगा सुहाना यूनिवर्सिटी, एक बार तो साइन तो कर, ए सुहाना की लगती दर्द है, बात समझ में आई ठीक, अच्छा सुहाना ना साइन तो कर दिए, मैं कह रही दोबारा फिर आओगे, मैंने कहा साइन तो कर, वहीं बार 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 आऊँगा चाय में मिलो फिर, समझ आएंगी बात, यह चलो सुहाना ना साइन कर दिए, समझ आएंगी बात, मिलेगा पहुंचे पर्यावरण मंत्रालय के पास, अब पर्यावरण मंत्रालय
अभी इतनी जल्दी नहीं, तुम क्या सोच रहे हो पर्यावरण मंत्रालय साइन करके दे दिए और जैसे मैं सर्टिफिकेट को ना जैसे मैं ईआईए रिपोर्ट को लेकर अब जाऊंगा मैं भूपेंद्र यादव के पास, ये पर्यावरण मंत्री वे साइन करेंगे, उनके ऑफिस के बाहर बैठा रहूंगा मैं, सब यही बात या ठीक। और इनकी इनके इनके परिवार की लड़की मेरी जानने वाली जो मंत्री है ना, सुन लो, इनके परिवार के जो ये पर्यावरण मंत्री है इनके परिवार की लड़की की मेरी जानने वाली। मैंने कहा अपने चाचा को क्या था अरे वो ठीक है, तुम टेंशन मत लो, चाय भी आ रही समोसे भी आ रही, तुम बैठो ठीक मैं देखती हूँ कुछ। उन्होंने कहा ठीक है बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, साइन करवाए। जैसे मैं ले पहुंचा मैंने सोचा साइन करके दिखा मेरा प्रोजेक्ट पर एनओसी मिल जाएगी मुझे, आज ही मिल जाएगी एनओसी। पता क्या बोल रहे हैं, एक काम करना 6 महीने के बाद ना भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री, 6 महीने के बाद हमारी एक टीम है ना यहाँ जागी, अब जा तुम्हारे जिले में हरिद्वार जिले के अंदर, और जो प्रोजेक्ट 6 महीने के बाद, हंसना ही बात यार, अब मेरा मूड खराब। 6 महीने 3 महीने जितने भी होगा, इतनी जल्दी तो काम करने के नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये क्या करेंगे, जो पर्यावरण मंत्रालय विशेषज्ञों की एक एक्सपर्ट कमेटी बैठागा, अभी नहीं इतनी जल्दी, अभी एक और कमेटी बैठेगी, वो खुद चेक करने जागी है एक और कमेटी, उसका नाम विशेष सलाहकार समिति, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी, एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। इस कमेटी में बहुत विशेषज्ञ लोग जो पर्यावरण के अच्छे जानकार होंगे, आए पर्यावरण के जो अच्छे जानकार होंगे, आई समझ में बात है। और ये ना मेरे प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे, यहाँ ये मेरे प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे, पर्यावरण मंत्रालय ने भेजा है ना मुझे, समझ गए बात या। अब ये जो इसे बोलते हैं विशेष सलाहकार समिति, अब ये मेरे प्रोजेक्ट पे पहुंचेंगे, और जो डीएम साहब है ना उन्हें पहले ही पता लग जाएगा, उन्हें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि पर्यावरण मंत्रालय जो एक्सपर्ट सारे एडवाइजरी कमेटी के, तो उनका प्रबंधन वो खुद करेगा। और फिर ना डीएम को कहा जाएगा एक टाउन हॉल पर जिस एरिया में प्रोजेक्ट बनना वहाँ के आसपास के सबके लोगों को बुलाओ, क्योंकि देखो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन में साफ साफ कह रखा कि वहाँ के लोगों को बुलाना होगा, उनको पता करना होगा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, समझ। अभी क्या करेंगे जो डीएम साहब आसपास ना उस एरिया में पहुंचेंगे जहाँ फैक्ट्री लगने वाली, उसके आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ जो जनजातीय रहने वाली आसपास जो रहने वाले औरतें सबको शामिल करेंगे, औरतों को भी मर्दों को भी बच्चों को सबको शामिल करेंगे, और उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, सही बातें बताएंगे, इसका अच्छा नुकसान होना चाहिए, इसका फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, क्या इस प्रोजेक्ट को लगा लेना चाहिए, आप सहमत हो, आपका वोट पड़ता लिख कर लेके जाएंगे कि कौन कौन सहमत है कौन कौन सहमत नहीं है, पता लगा वहाँ 4-5-10 लोग, कुछ रिपोर्टर भी आएंगे वहाँ आसपास के, वे रिपोर्टर दिखाएंगे यहाँ प्रोजेक्ट बनने वाला है इतना इतना है, वही टीवी पर जाएगा, सही बात है, यही तो रिपोर्टिंग हो, सही बात है। तो एक्सपर्ट जैसे आएंगे डीएम साहब बातचीत करेंगे इनकी, इनके सामने काजू बादाम रखे जाएंगे, और ये साइन सुइन करके, सही बात है, साइन सुइन करके ना यहाँ इसे ले जाएंगे, और ये जो ये ईआईए रिपोर्ट है ना, ईआईए रिपोर्ट को फिर पर्यावरण मंत्रालय के पास लेके जाएंगे, ईआईए रिपोर्ट अपनी तैयार करके, ईआईए रिपोर्ट, बात समझ में आई, यही काम वहाँ हो राज्य प्राधिकरण में, ये तो मैं केंद्र वाला समझा रहा हूँ तुम, यही काम राज्य प्राधिकरण में हुआ, ईआईए रिपोर्ट ना ये अपने पर्यावरण मंत्रालय के पास लेके जाएंगे, और जैसे पर्यावरण मंत्रालय के पास ईआईए रिपोर्ट को लेके जाएंगे, ईआईए रिपोर्ट में फिर पर्यावरण मंत्रालय साइन करेगा, और साइन उसने कर दिया तो अगर वो साइन करने से मना भी कर सके, उसके पास अधिकार हो साइन करने से मना कर सके, और उसके खिलाफ तुम कहीं अपील भी नहीं कर सकते, यूनियन ने साइन मना कर दिया तो फिर सारा प्रोजेक्ट खारिज है, सही बात यार, यानी सब कुछ पर्यावरण मंत्रालय के हाथ में, इसके खिलाफ हम कहीं अपील भी कर सकते, यूनियन ने मना कर दिया, इसकी बात को हम चैलेंज कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर, यहाँ हम संशोधन करने में कह सकते हैं, इसमें संशोधन करा जाना चाहिए यहाँ से, या इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए, या इसमें जब पूछेगा ना मैं इसकी कमियां भी तो पढ़ाऊंगा तुम तो लग रहा बहुत अच्छा हो, हर चीज में कमी हो, ऐसे समझो चांद में भी दाग हो, किस में ई आई ए यहाँ देख लो इन्होंने चांद करो चौथ पर निकलो बत्ते ई आई ए नोटिफिकेशन समझो ये नोटिफिकेशन में साफ साफ कह रखा है ये बात, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, कोई दिक्कत तब जाकर मेरे प्रोजेक्ट पर अगर ऐसा होगा ठीक, अगर उन्होंने साइन कर दिए तो मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, अगर नहीं करे नहीं बनेगा ठीक। ये तो थी कागजी कार्रवाई, जो कागजों में हो इसके अनुसार होना चाहिए, ये होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब सुन लो हो क्या, ये तो होना चाहिए इस तरह, ऐसा करके किसी प्रोजेक्ट को ऐसे मंजूरी मिला, अब हो क्या, ये तो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अब हो क्या वो समझ लो, इसी ये तो एक कागजी कार्रवाई है, जो ईआईए नोटिफिकेशन 2006 उसमें ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा ये बात लिखी भी, लेकिन नियम तो बढ़िया, अधिसूचना तो बढ़िया, इसके अनुसार काम हो तो इससे बढ़िया क्या खास बात। अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से मेरी बात, पहले नंबर पर मुझे कोई प्रोजेक्ट तैयार करना, समझ आई बात, प्रोजेक्ट को मैं एजेंसी के पास लेके जाऊंगा, सबसे पहली बात तो देखो कौन सी एजेंसी, 15-20 एजेंसी,
मुझे लोगों ने बताया, सच में रिलेटिव बात बता रहा हूँ, लोगों ने, यार तू मुंबई वाली एजेंसी के पास क्या करने गया, दिल्ली वाली जो एजेंसी है ना, दिल्ली वाली जो एजेंसी हो, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंदर जो मंत्री बैठे हुए, वो उनके साले साहब की एजेंसी, समझे नहीं क्या तुम, ये जो एजेंसी बना रखी है ना, यहाँ जो पर्यावरण मंत्री बैठे हुए उनके साले साहब हैं, समझे, और साले साहब, और साले साहब की अगर साले साहब ने अगर कुछ कहा और साइन ना करके दिए, तुम फिर घरवाली नाराज हो जाएगी, समझ नहीं बात यार, वो मुंह बनाऊ घूमोगी, तुमने मेरे भाई की बात क्यों नहीं माननी, समझे नहीं क्या बात तुम, यार जो दिल्ली वाली एजेंसी ना, दिल्ली वाली एजेंसी, अगर तुम अपनी ना EIA रिपोर्ट उसके पास लेके जाते, तो उसके जो अधिकारी है ना, ये घर भी नहीं आते चेकिंग करने, जहाँ तुम्हारा प्रोजेक्ट लग रहा है, सब AC में बैठ कर ही काम हो जा, चेकिंग होगी, सब होगा, 3 दिन में सब तैयार, करना क्या पड़ेगा यार, तुम एक काम करना, सोनू जी एक काम करना, ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे, 10 लाख रुपए इनके खाते में डाल देना, आराम से जाकर टेबल के नीचे को देने, सही बात यार, सबसे बड़ी खास बात है। और इन, और बता मुझे क्या बताया गया, और बताया यूनिवर्सिटी तो यूँ छोड़ दो, यहाँ तो परमिशन ना मिलने का कोई मतलब ही नहीं है, अगर यहाँ तो जो यहाँ जो इस एजेंसी तक, जो दिल्ली वाली एजेंसी जो इस तक अप्रूवल लेगा ना, EIA रिपोर्ट तैयार करवाएगा, इन्हें पहले पैसे देने पड़े, फीस लगेगी इनकी, लेकिन थोड़ी फीस अगर फालतू तो हम बढ़ाकर दे देंगे, सही बात है, करप्शन भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार ढूंढ लिया, अगर थोड़ी सी फीस बढ़ाकर दे देंगे, तुम्हारा काम जल्दी करवा देंगे, अब ये जल्दी क्यों करवा देंगे, क्योंकि इसकी जान पहचान किसके पास है, मंत्री के पास है, मंत्री है जो, मंत्री को तुम क्या समझते, बहुत पढ़ा लिखा, अनपढ़ ठेठ गवार, आया समझ, मंत्री का मतलब अनपढ़ ठेठ गवार कहीं का, तुम उससे ज्यादा पढ़े लिखे हो, उसे ये भी नहीं पता क्या हो रहा है, आया समझ, वो भी अपने पर्सनल असिस्टेंट रख रखे एक, वो प्रत्येक मंत्री का एक सचिव हो, और वो जो सचिव IAS अधिकारी वो तभी हो, वो इसे जानकारी दे, वो सही बात, अपने सचिव तो पूछो क्या करना, ये करना तो ये करा था, जो सचिव हो, सचिव से ही बोल रहा, सचिव जो मंत्री है, अब मंत्री जान पहचान किसकी है, मंत्री जी, जो मंत्री है ना, ये सारे जो मंत्री बड़ी खतरनाक खतरनाक गालियां दे, वो उन्हें तो कोड भी नहीं कर सकते, समझ की बात, यार अपनी साधारण भाषा में बात करो, कैमरे के सामने कुछ और हो, पीछे बैकग्राउंड में कुछ और स्थिति, अब जो मंत्री है ये, इनके साले साहब फोन करेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जीजू जी ये काम कर रहे थे फलाना जी सिमका जी, अच्छा जो पर यहाँ ये थे भूपेंद्र यादव जी, अब जो भूपेंद्र यादव जी पता क्या करेंगे, भूपेंद्र यादव जी फटाफट साइन करके दे देंगे, अगर साइन करके नहीं देंगे ना, तो सांझू घर में जाकर झाड़ू बजाएगी, समझ नहीं बात यार, क्योंकि तुमने मेरे भाई का ही काम नहीं करा, सही बात है, रिश्तों मन मना जाएगी, तो ये अपन जो एजेंसी ना, अपनी इनकी जो 60-80 की एजेंसी होगी, क्योंकि पर्यावरण मंत्री ना ये भी खुद कमीशन ले, यस, और इनका किसी को पता नहीं चलता, ये खुद भी कमीशन लेंगे, अगर इसने 10 लाख लेने, 5 लाख इसकी मंत्री की जेब में जाने हैं, सही, इतना भ्रष्टाचार, अब जब इसे जाएंगे पैसे, अब ये क्या करेंगे, एजेंसी वाले, ये एजेंसी वाले यहाँ EIA रिपोर्ट लेके यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ तो कोई जाता नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट बन जाता, जितने प्रोजेक्ट बनने, कौन सा चेक करने आया, कोई भी चेक करने नहीं आता, इतना प्रोजेक्ट कोई चेक करने नहीं आता, जब कोई चेक करने नहीं आता, AC में बैठे हुए एजेंसी वाले साइन रिपोर्ट पर मोहर मार कर देती, इसके पास जाएंगे, इसके पास अब जो इन्वायरमेंट है, ये पर्यावरण मंत्रालय ये एक कमेटी बनाएगा, या कमेटी बनाएगा, विशेष सलाहकार समिति, और यो ना इसे पता है, पर्यावरण मंत्रालय को पता है प्रोजेक्ट पास करवाना ही करवाना, क्योंकि इसके पैसे ले रखे उन्होंने, पैसे ले रखे, भ्रष्टाचार देखो कितना, तो फिर यहाँ भी इस कमेटी के अंदर ऐसे लोगों को बैठाएंगे, ऐसे लोगों को कमेटी बनाएंगे जो उनके ही जानने वाले होंगे, जो वहां जाएंगे और जाएंगे, चलो एक आधा, अगर एक आधी दिक्कत भी हो तो छोड़ देंगे, चलो एक्सपर्ट भी बैठा जाए उसने, तो ये ना पर्यावरण मंत्रालय पहले ही से फोन कर देगा IAS अधिकारी को, IAS अधिकारी को आ रहे हैं कमेटी वाले, और देख लेना इनका, अब वो क्या करेगा, क्यों, अगर ये बहुत अच्छी पढ़े लिखे इंसान भी है कमेटी वाले, तो देखो अब जा जो DM साहब हो वो क्या करेगा, क्या होगा, अब DM साहब देखो क्या करेंगे, हरिद्वार पहुंची विशेष सलाहकार समिति, सही बात है, तो DM साहब को गया, कहा गया कि वो ना जो प्रोजेक्ट तैयार करवा रहे जो सोनू जी SN यूनिवर्सिटी नाम का बना रहे, उन्हें भी बुलाओ, और उनके आसपास ना उस क्षेत्र में वहाँ एक टाउन हॉल में मीटिंग बैठाओ, और उन जो जो लोग वहाँ तक प्रतिस्थापित हो रहे, 50 घरों को काट कर तुम, 50 घरों को हटा कर तुम ये बना रहे, उन्हें बुलाओ, अब DM साहब खतरे में, क्योंकि DM साहब को फोन आ रखा ऊपर से, क्या DM साहब को इसलिए फोन आ रखा, पर्यावरण मंत्रालय ने इसलिए फोन आ रखा, अगर तेने आज ये काम नहीं करा ना, तो कल को ट्रांसफर है तेरा, और सीधा पहाड़ों में भेजेंगे तुझे, सही बात है, जहाँ पानी लेने में 5 किलोमीटर पर जाना पड़ा, अब वहाँ समस्या जाएगी, तो किस पर समस्या आएगी, DM पर, मैंने कहा नहीं, DM बार बार टकराएगा इसका, अब DM क्या चाहेगा, यार इस तो बढ़िया प्लेन में ठीक है, ऊपर पहाड़ों में जाएगा, कौन ऐसी तैसे करवाएगा, वहाँ कोई रिश्तेदार एक को आवाज़ मानेंगे, पहली तरफ को जाएगा, इसलिए ऐसे ऐसे धमकी भी लगी पर्यावरण मंत्रालय तक, अगर तेने काम नहीं करा तो भी पता क्या करेगा, फिर यहाँ के ना हरिद्वार के जिस एरिया में काम चल रहा है, अब यहाँ का MLA कौन है, विधायक कौन है इस एरिया का, पता लग गया यहाँ का विधायक है पुरकान, जो पुरकान है ना, तो पुरकान को फोन करेगा, कौन DM, उन्होंने कहेगा बुला ऐसे लोगों को बुला जो वहाँ के है ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं लगते,
मान लो 50 लोग वे नहीं चाह रहे यूनिवर्सिटी बना, वे नहीं चाह रहे यूनिवर्सिटी बना, अब पता क्या करेगा जो एमएलए होगा आसपास का लोकल एमएलए होगा, वो ऐसे लोगों को बुलाएगा दिहाड़ी पे 500 रुपए को और उनके सामने लाके बैठा देगा, अब पहले ही सेट कर देगा कि ये बोलना तुम, ये पूछेंगे तुमसे तुम प्रोजेक्ट मंजूर है, 500 रुपए ले रखे दिहाड़ी पर आए हुए और दिहाड़ी पे कर चले जा लो, ऐसे मीटिंग में कर जाते गाँव में भर भर कर उसमें राजनीति में चल रहे, तो क्या जा रहे तुम उन्हें बोलना हाँ जी हमें मंजूर है, अरे वहां आके है ही नहीं, कितना भ्रष्टाचार समझ नहीं पाते। दूसरा उन लोगों को हक मारा गया। तीसरे नंबर पर वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर दिया जाएगा और उन्होंने 20-30 हज़ार रुपये उनकी झुग्गी झोपड़ी वालों को 10-20-25-5 उन्होंने थोड़ा सा लालच दे दिया, अगर लालच नहीं दिया तो धमकी दी जाएगी, देखा धमकी तो मान गए तो फिर नहीं तो लालच देंगे, लालच देंगे फिर उन्हें वहाँ से हटा देंगे और फिर अपने प्रोजेक्ट की मंजूरी ले लेते हैं, ऐसा कर गए। इतना भ्रष्टाचार हर जगह, भ्रष्टाचार की जड़ इतनी गहरी, समझ रहे तुम क्या हो रहा। इसमें सम्मान ना डीएम लिप्त पाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे बोल रहे जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, दुनिया के सबसे करप्ट आदमी है, सही बात है, दुनिया के सबसे करप्ट आदमी है। इसलिए कहते हैं जब तू पढ़ा जाना चौथा पेपर एथिक्स का ही, उसमें बताया जा कि तुम्हें ना पर्यावरण नैतिकता, वहाँ एक सब्जेक्ट पर्यावरण नैतिकता, पर्यावरण इन्वायरमेंट एथिक्स जिसे बोलते हैं, उसे ध्यान में रखना होगा, अपने अपने कर्तव्य को नहीं भूलना होगा तुम्हें, जिस उद्देश्य के साथ तुम इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, तुमने सिविल सर्विस में कदम रखा था, इसलिए GS4 जोड़ा हमने 2013 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ ना UPSC का, उसमें हमने GS4 इसलिए जोड़ा ताकि हम पर्यावरण नैतिकता को बढ़ावा दे सक, नैतिकता को बढ़ावा दे सक, हमने अपने नैतिक कर्तव्य अपने मूल्य भूलते जा रहे हैं, वैल्यू खत्म हो रहे हमारे अंदर, तो समझ में आया बात क्या हो रहा। एक उदाहरण एक और बताता हूँ तुम्हें, अब तुम बहुत सारे केस स्टडी बताता हूँ कैसा कैसा काम होता है। उड़ीसा के अंदर ना एक जनजाति, उसका नाम है कोंड जनजाति, कोंड जनजाति के नाम से जाने जाओ उड़ीसा के अंदर में, जहाँ लोह अयस्क मिला ना, लोह जहाँ लोहे निकालने वाले जो अयस्क मिलते हैं, हेमेटाइट मैग्नेटाइट नहीं मिलते उड़ीसा के अंदर तक, रियलिटी स्टोरी बता रहा हूँ 2013 के आसपास की बात है, सही बात है, केस स्टडी में आया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था, वहाँ तो वे ना एक बहुत बड़ा पहाड़ था और सरकार को पता लगा कि इस पहाड़ के अंदर ना बड़ी मात्रा में लोह अयस्क मौजूद हो, और लोह अयस्क को अगर पहाड़ को खोद दिया ना, यहाँ खनन करके अगर इसे हमने निकाल लिया तो सरकार को बड़ी मात्रा में आय प्राप्त होगी। अब जो कोंड जनजाति वहाँ के आसपास 4-5 हज़ार लोग रहते थे उसके आसपास, उस पहाड़ के चारों तरफ, वे पहाड़ को इतना मानते थे, उस पहाड़ को ना देवता मानते थे, उस पहाड़ पर कदम तक नहीं रखते थे, सोच सकते हो तुम, उस पहाड़ पर कदम तक नहीं रखते थे, और जब कदम नहीं रखते थे तो उस पहाड़ पर कदम, और यहाँ ये जो लोग थे, सरकार थी, सरकार चाह रही थी, भारत सरकार चाह रही थी कि ये ना उड़ीसा के अंदर जाओ, इस पहाड़ को तोड़ो, खनन करो और वहाँ तो अयस्क निकाल लो, तो पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। अब वहाँ के लोग इतने खतरनाक थे, अगर किसी बकरी चरती चली गई ना एक बार, तो बकरी भी ढूंढने नहीं गया कोई पहाड़ पर, इतना शुद्ध मानते थे ना, पवित्र मानते थे, अपनी संस्कृति से जोड़कर देखा थे, समझ बात है, अपनी संस्कृति से जोड़कर देखा थे, इतना पवित्र मानते थे पहाड़ को। अब वो पहाड़ तोड़ा जाएगा, उनके देवता को फोड़ा जाएगा, तो फिर तो विरोध करेंगे, फिर लोगों ने फिर विरोध करना स्टार्ट करा 2013-14 में, जबरदस्त मात्रा में विरोध हुआ उस पहाड़ का, समझ नहीं बात है, लेकिन सरकार माननी नहीं, सरकार अपनी मशीनें लेकर और खनन करने, सरकार ने EIA है वो पास पूछ करवा ले, बता तो सरकार पावरफुल कुछ भी करवा सकती, पास करवा, कौन विरोध होना स्टार्ट हुआ, मामला चला गया, रोक दिया गया उसे, टीवी में बात छा गई। अब टीवी में बात छा गई तो लोग और बढ़ते चले गए, जब और बढ़ते चले गए तो जो उड़ीसा की जो कौन जनजाति थी वहाँ से आसपास, उन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, वहाँ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी स्टार्ट हुई, रियलिटी बता रहा हूँ तुम, ऐसा हो रियलिटी में, समझ बात है, बाद में जाकर मामला पहुँचा पता कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया क्या तुमने इस क्षेत्र में EIA परमिशन ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा तुम अगर खनन करने पहुंचे, तो खनन कंपनी हो तुम, इससे पहले खनन करने से पहले EIA परमिशन लेकर आए थे, तो बाद में जाकर पता चला सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार की जो कंपनी थी, कंपनी ने वहां EIA परमिशन ही नहीं ली, और EIA परमिशन नहीं, स्थानीय लोगों को शामिल ही नहीं करा, पूछा स्थानीय लोगों को तुमने शामिल क्यों नहीं करा, कह रहे जी वहाँ की जो जनजाति है ना हम उनकी भाषा ही नहीं समझ पाते, तो तुम भाषा नहीं समझ पाते तुम ये काम करोगे, तुम बिना पूछो उनसे वहाँ से, तुमने ना वहाँ का EIA नहीं करा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करा, तुमने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन नहीं करा, वहाँ का रिपोर्ट नहीं तैयार करी, और तुमने वहाँ खनन करना स्टार्ट कर दिया, क्या बदतमीजी है। फिर सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल हो, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने जो उड़ीसा सरकार थी, उड़ीसा सरकार के अंदर बहुत सारे जज हो, जो खुद कहा कि तुम 10-12 गांव आस पास के हैं, इसमें खुद जाओ, एक कमेटी बनाई और वहां गांव में भेजी, उन लोगों से पूछा गया, जब लोगों ने जज साहब खुद गए स्वयं
जज जज साहब ने खुद पूछा ना जा जाकर गाँव में, सही बात है बताओ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम, उसने बताया कि ये पहाड़ है हमारा पवित्र देवता और ये पवित्र देवता स्वयं पवित्र देवता, अगर इस पवित्र देवता की हम पूजा करते हैं और कई साल से पूजा करते हैं, अगर इसे इसे उठा इसे हटाया गया ना तो यहाँ का पर्यावरण तो नष्ट हो ही जाएगा चारों तरफ, सरकार खनन तो निकाल लेगी और बहुत सारे लोग घर से बेघर भी हो जाएंगे। जब से हम पहाड़ की इसकी पूजा करते चले जाए ना तो हमारे तब तक हमारे गाँव में पूरी सुख शांति, सही बात है। एक बार अंग्रेजी लोग यहाँ आए थे और यहाँ ना पहाड़ों पर वे शराब वगैरह पी के चले गए थे, तब से हमारे गाँव में परले भी आ गई थी, इस तरह करके उन्होंने बताया। फिर जो जज साहब थे उन्होंने उनकी बात को समझा, फिर इस जो जजों की कमेटी बनाई गई थी इस कमेटी ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, फिर बाद में जाकर वहाँ का खनन सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और पूरी तरह रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट इसे क्या सुप्रीम कोर्ट, समझ बात है ई आई ए का किस तरह दुरुपयोग हो रहा, बात समझ में आई ई आई ए। लेकिन ई आई ए को अच्छी तरह ना इम्प्लीमेंटेशन करा जाए उसका, अगर उसका क्रियान्वयन करा जाए, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है। आज तुम्हें एक बात तो पता लग चुकी होगी कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना कोई भी प्रोजेक्ट बिना एनओसी के बिना ई आई ए के बन नहीं सकता, आया समझ में। अब मुझे ई आई ए करवाना ना, अच्छा 2020 वाले में क्या था, 2020 वाले में कुछ अलग था मामला, 2020 में इन्होंने क्या करा, जो नया ड्राफ्ट लेगा अधिसूचना जारी करे कि हम ऐसा करने वाले, करने वाले लोगों ने पढ़ लिया उसमें क्या क्या करने वाले, ड्राफ्ट तो जारी कर रहे ना पब्लिक जारी कर रहे ड्राफ्ट तो, लोगों ने पढ़ लिया ये करने वाले, उसमें होता क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था जो प्रोजेक्ट बनाने में हुआ 28 महीने लग जाते, एक तो उसमें 10 महीने में ही काम हो जाओ तुम्हारा, ये तो अच्छी बात है यार प्रोजेक्ट जल्दी बन जाएगा। दूसरा कुछ क्षेत्र ऐसे थे वहाँ तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं आई आई, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे। अब फिर उसमें एक साफ साफ पहले पॉइंट में यह बात लिखी हुई थी, 2020 का जो नोटिफिकेशन था उसमें साफ साफ बात लिखी हुई थी कि किसी भी प्रोजेक्ट को तुम पहले शुरू कर लो, पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव मूल्यांकन छोड़ दो, ईआई करने की जरूरत नहीं है, ईआईए तुम बाद में भी ले सको। तुम सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है ना, समझ में नहीं, पर्यावरण शुरू कर लो, यूनिवर्सिटी बनाओ, तुम घर घर उखाड़ के फेंक दो लोगों के। अब इसका विरोध तो होना लाजमी था, लोगों ने सही विरोध करा गलत विरोध करा, इसलिए सरकार को वापस लेना पड़ा। जनता के सामने सब झुक जाता, जनता तो बड़े कुछ नहीं है, यही संविधान की खास बात हो, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती हो, समझ नहीं बात है। इसलिए तो यही नोटिफिकेशन को अब 2020 के वापस लेना पड़ा, बात समझ नहीं बात, अभी तक मैंने लिखवाया तो नहीं कुछ भी, लेकिन समझ में तुम्हारे दिमाग में घुस गया होगा बात कि चल क्या रहा दुनिया में, समझ नहीं बात। सबसे पहले हमें व्यवहारिक होना पड़ा पढ़ाई करने के लिए, अब सबसे पहले हम पढ़ाई के प्रति व्यवहारिक हो चुके, दूसरा क्लास में बैठ कर अपने दिमाग की ग्रोथ हो, उन चीज़ों को हमें पता ही नहीं आज तक क्या हो रहा, तुम आज तक नहीं पता होगा किसी क्या हो एनओसी कैसा ईआईए प्रभाव पड़ने का, और यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, सबसे फेवरेट टॉपिक। अब ईआईए के अंदर कमियां क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ईआईए की क्या परिभाषा हो वो भी मैं लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा मैं, बस नु बता दो तुम्हारी दिमाग में आज बात घुस गई नहीं ईआईए क्या हो, अब नु बता दो ईआईए जरूरी है नहीं है, ईआईए की फुल फॉर्म भी पता लग गई होगी क्या है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ऐसे समझ में। तो इस पर इस अधिसूचना पता लगा कैसे कैसे इसका विकास हुआ, मजा आ गया होगा बात में, कोई दिक्कत नहीं आने तक। अगर ईआईए के बारे में किसी को बताना बता दोगे आराम तो बता दोगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को लागू करने से पहले वहाँ का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना होगा, अगर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना होगा, अगर प्रोजेक्ट हमारा ए श्रेणी में आ रहा है तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए प्रोसेस तुम्हें समझा दिया गया, पर्यावरण मंत्रालय से परमिशन लेनी होगी, अगर प्रोजेक्ट हमारा श्रेणी बी में आ रहा है तो आपको राज्य प्राधिकरण से परमिशन लेनी होगी, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं आती, वहाँ भी इस तरह की कमेटी बनेगी, इस तरह वहाँ भी इस तरह चेकिंग करने जाएंगे, वहाँ भी यही सारा काम होगा, राज्य में भी इस तरह ही होगा। लेकिन ऐसा कहीं तुम कुछ होता नहीं, एजेंसी में एसी में बैठकर सब साइन करते हो, सब पैसे का खेल है, किसका पैसा सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। अब जब मेरा प्रोजेक्ट क्यों नहीं पास हो पा रहा, इसलिए नहीं पास हो रहा, मैंने किसी को पैसा नहीं खिलाया, ऐसा समझ लो। अब मैं दिल्ली वाली एजेंसी के पास आता ना, जहाँ 10 लाख रुपये इसका हाथ में जमा कर देता आराम था, कभी का मेरा प्रोजेक्ट पास हो चुका होता, कभी का प्रोजेक्ट मेरा पास हो चुका होता, मैंने कहा इतने तो पैसे मेरे पास है भी नहीं, अगर 10 लाख रुपये के आसपास देने पड़े ना, 10-15 लाख रुपये जैसे दे दो तुम, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास हो समझ लो। दिल्ली वाली एजेंसी से काम करवाया ना तुमने, हम पक्का तुम्हारा, मैं सोचा मैं गया, मैंने उसकी रिपोर्ट निकाली, मैंने देखा ये व्यक्ति कहाँ का, और हकीकत में खुद बता रहा हूँ पर्सनल, सबके कॉन्टैक्ट इनके मंत्री के पास पाए गए, अगर नहीं भी पाया गया ना तो अप्रत्यक्ष किसी और मंत्री के साथ, और उस मंत्री का उसके दूसरे मंत्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, वो उसकी बात काट नहीं सकता, समझ रहे ना तुम। मान लो पर्यावरण मंत्रालय ले, इसमें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, जो दूसरे हमारे मंत्री ना जावड़ेकर जी, उनके उनके साथ संबंध है, उनकी बात काट नहीं सकते, और इसी एजेंसी वाला उसका उसके साथ बढ़िया संबंध, यो ना इसे फोन करेगा, फिर यो इसे फोन करेगा, यो चले हाँ, समझ गए बात तू कि प्रोजेक्ट क्या करना, साइन ही तो करने, और इन्होंने बताया इनका एक साइन किसी की जिंदगी बर्बाद कर सके और किसी की जिंदगी आबाद कर सके, ऐसे समझ लो कुछ इतने खतरनाक भी हैं। मेरी यूनिवर्सिटी को इसलिए परमिशन नहीं देने के,
क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे लगे ना, अब पढ़े लिखे लगे ना तो इस तरह जागरूक हो जाएंगे जैसे तुम जागरूक हो रहे हो, और जागरूक हो जाएंगे तो फिर इनके ही काम करते रहेंगे। सही बात है, इसीलिए ऐसे प्रोजेक्ट की कभी मान्यता नहीं देंगे जो सामाजिक विकास करता हो, सामाजिक विकास की बात करता हो और उसके साथ फिर आर्थिक विकास की बात करता हो। अब मैं जो प्रोजेक्ट तैयार करना चाह रहा हूँ, जो मेरा सपना, मेरा ड्रीम है, कि यहाँ मैं ऐसे बच्चों को तैयार करूँ जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, और बड़े स्केल पर टीचर हायर करके बहुत गरीब बच्चों को इस तरह सुविधा दे जाओ और ऐसा ऐसा पढ़ाया जाओ जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सही बात है, 12th क्लास के बाद बच्चों को उठा लिया जाए और ऐसा करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो हम एक समग्र और सशक्त भारत बना सकते हैं, एम्पावरमेंट इंडिया बना सकते हैं। जितनी नॉलेज तुम हो जाएगी इतनी फिर नॉलेज सारे बच्चों को होगी तो कितना बड़े स्केल पर काम होगा। फिर जिस क्षेत्र में जाएंगे फिर कभी कभी घूस नहीं लेंगे, कभी फिर रिश्वत नहीं लेंगे। ये मेरा सपना, लेकिन ऐसा अगर हो गया तो समझ जाओ तो फिर मंत्री भूखे नहीं बनेंगे। सही बात है, इसलिए मेरे प्रोजेक्ट भी पास नहीं करने हैं। बात समझ में आई बात, लेकिन फिर भी नोट कर लो तुम सर, ठीक।